नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, ईपीओ का जो हमारा 19 तारीख को। सबसे पहले मैं सबको शुभकामना दे दूं कि अच्छे से आपने तैयारी किया होगा, काफ़ी हमको अच्छा मार्जिन मिल गया है। और अभी लास्ट स्टेज है तो रिवीजन का टाइम है, तो मैं तो पहले कहूंगा कि एक बार मेरे वीडियोस, मैंने देखा कि काफ़ी 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है, जितने सब्जेक्ट मैंने बनाया है, तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। और सीजीए के ऊपर मैं क्वेश्चन बैंक बना चुका हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले उस सब्जेक्ट को डिटेल में जानना भी जरूरी है। तो आज मैंने कोशिश किया है कि एक सीजीए के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक सर्कुलर देखा था सीजीए के ऊपर, रेलवे बोर्ड जो निकाला है, क्योंकि लेटेस्ट सर्कुलर है और एग्जाम नज़दीक में है, तो मैं सोचा था कि सर्कुलर के ऊपर हम बात करें, साथ में कुछ और सर्कुलर के ऊपर बात करें। सबसे पहले मैं बता दूं मैं आपको कि मैंने एक बुक निकाली थी जब मैं 2019 में इसमें था, डिवीजन में एज एपीओ, तो अभी ये बुक एक निकाली थी, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिसी सर्कुलर ऑन कंपोजिशन ग्राउंड। ये मैंने अपने जब ऑब्जेक्टिव बनाया तब भी शायद मैंने बताया था, 2020 में निकाली थी मैंने ये। और उस वक्त जो इसमें सर्कुलर मैंने कंपाइल किए थे अप टू 2019 तक, क्योंकि जनवरी की बुक थी 20 में, तो 19 तक के सारे सर्कुलर इसके अंदर आ गए थे। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर इसमें और अपडेट करो, तो मैंने इसमें अभी जो 2019 के बाद से लेके अभी तक जो कुछ सर्कुलर आए हुए हैं उसको इसमें ऐड किया है मैंने, और बाद में मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि जो सर्कुलर जो सीजीए के ऊपर जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सीजीए के ऊपर कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, डाउट्स वगैरह, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे और आपको ये सब्जेक्ट एक तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली सर्कुलर 1 फरवरी को निकाला है, आरबी नंबर 21/23, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम ये है, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग कंपोशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट सीजीए टू स्पाउस वार्ड डिपेंडेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। सबसे पहले मैं दोबारा एक बार अपनी घोषणा कर दूं कि जो भी मैं बता रहा हूं उसके अंदर ये मेरे एक्सक्लूसिवली मेरे व्यूज है, मेरे ओपिनियन है, मेरा इंटरप्रिटेशन है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में न देखा जाए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में हर इंसान का अपना इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन जब ऑफिशियली डील करते हैं तो वो ऑफिशियल अलग होता है, और अगर आपको डाउट हो तो आपको हेडक्वार्टर से, जो भी आपके कंसर्न ऑफिसर्स हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहला लेटर भी आप देख लीजिए, इसमें यही कहा है कि कुछ रेलवे को कुछ डाउट था, तो यानी अथॉरिटीज को भी डाउट होता है, वो क्लेरिफिकेशन मांगते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरप्रेशन अलग अलग हो सकता है। तो मैं सिर्फ अपना इंटरप्रेशन दे रहा हूँ, कृपया उसको अब उसी तरह से देखा है समझने के लिए, बाकी आप अपना इंटरप्रेशन लगा सकते हैं। तो धन्यवाद। सबसे पहले सब्जेक्ट में पढ़ी गया था क्लेरिफिकेशन। कुछ बोर्ड ने इस लेटर में बोला है 1 फरवरी 2023 में कि कंपोशन अपॉइंटमेंट टाइम टू टाइम जो मामले हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कंपोशन अपॉइंटमेंट जो जानकारी जिनकी कम है, या जो अदर देन एग्जाम के अलावा जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, या जिनको जानकारी है क्या होता है कंपोजिशन, थोड़ा ब्रीफ कर दूं मैं। रेलवे के अंदर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी शायद प्रोविजन है कि कोई भी कर्मचारी है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है या मेडिकल इनवैलिड होता है, मेडिकल डिक्राइज होता है, तो अनुकंपा के आधार पर भर्ती यानी कंपोजिशन ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट देने का एक प्रोविजन है। पहले तो बता दें राइट नहीं है, एक अनुकंपा मतलब पे विचार किया जाता है, कंपोशन ग्राउंड पे विचार किया जाता है, और सक्षम अधिकारी को लगता है कि नौकरी दिया जा सकता है तो दिया जाता है उसमें। डेथ और मेडिकल डिक्राइज और इनवैलिडेशन क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है कि सब जगह ये आएगा, तो पहले मैं चाहता हूँ कि समझ लें उसको कि डेथ जो होती है रेलवे में, दो तरह से डेथ होती है। पहले तो ये कि कोई भी कर्मचारी जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी ड्यूरी ड्यूटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी यानी कोई काम कर रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो उसका काम करते हुए, जैसे हमारे WC का पेमेंट करते हैं, एसरेशिया लमसम कंपोशन देते हैं ऑन ड्यूटी डेथ पे, वो डेथ होती है, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 बोलते हैं उसको। और उसके बाद जो दूसरी होती है जो एक वायलेंस सर्विस डेथ बोलते हैं उसको, जिसमें कोई कर्मचारी है जिसकी जनरली हमारे रेलवे रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है, तो 60 ईयर्स से पहले किसी की डेथ हो जाती है, ऑफ ड्यूटी हो या जैसे भी हो, तो उसको हम बोलते हैं डेथ बोलते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी नंबर 1 में नहीं आता है। सिमिलरली मेडिकल इनकैपेसिटेटेड एंड मेडिकल डिक्राइज, मेडिकल इनकैपेसिटेट का दूसरा वर्ड है टोटल मेडिकल इनवैलिडेशन, इसमें
जो है मैं आपको उसके लिए पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि हमारे रेलवे में हर कोई भी कर्मचारी जो काम करता है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करता है, वो पोस्ट पे एक मेडिकल क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन क्या क्या है? A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2। A1 में मेरे ख्याल से हाईएस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो होता है A1, जिसमें जनरली ड्राइवर आता है। A2 में स्टेशन मास्टर और गार्ड आते हैं। A3 में JEP वे कई बार गेट कीपर्स वगैरह आते हैं इसमें। तो और उसके बाद B1, B2, C1, C2, C2 में जनरली क्लरिकल स्टाफ जनरली आते हैं इसमें। टोटल मेडिकल इन्वर्शन डिक्रेस में अंतर ये कि डिक्रेशन जो होता है, कोई भी कर्मचारी हायर मेडिकल क्लासिफिकेशन है जैसे A1 है या A2 है, वो लोअर में उसके लिए पर्टिकुलर फिट नहीं होता है। जैसे कोई आदमी स्टेशन मास्टर है, टाइम टू टाइम काम करते करते तो उसकी हेल्थ थोड़ी डिटेरियट हुआ, कम हुआ, खराब हुआ, और वो पर्टिकुलर A2 के लिए फिट नहीं हुआ, मेडिकल करवाया उसने, और A3 या लोअर के लिए फिट हुआ। तो कर्मचारी जो उस पर्टिकुलर पोस्ट में काम करने के लिए फिट नहीं है, लेकिन लोअर क्लासिफिकेशन के किसी पोस्ट में काम करने के लिए फिट होता है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल डिकेटराइजेशन, चिकित्सा विकोटिकृत बोलते हैं हिंदी में। और कई बार ऐसा होता है कर्मचारी की तबीयत ज्यादा खराब होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करने के लिए असमर्थ हो जाता है। यानी कि A1, A2 या A3 का कोई बंदा है, वो अप टू C1 कैटेगरी यानी क्लरिकल कैटेगरी या C2 के लिए जो भी कैटेगरीज हैं उसके लिए भी फिट नहीं है, किसी भी मेडिकल क्लासिफिकेशन के लिए फिट नहीं है, तो उसको बोलते हैं टोटल मेडिकल इनकैपेसिटेटेड या टोटल इनवैलिडेशन, जो को हिंदी में बोलेंगे पूर्णतः अक्षम हो गया बंदा। वो मेडिकल जो है डॉक्टर, ये जो मेडिकल क्लासिफिकेशन में इनकैपेसिटेट और डिकेटेशन है, ये रेलवे में मेडिकल अथॉरिटी ही डिसाइड करती है, बोर्ड बनता है उसके लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेडिकल इनकैपेसिटी क्या होता है और डिकेडेशन क्या होता है। डिकेडेशन में जॉब के भी में भी डिफरेंस है कि इनवैलिडेशन है तो जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, डिकेडेशन है तो जॉब मिलेगा, वो हम आगे बात करेंगे। इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने कहा है कि टाइम टू टाइम जो है काफी सारे क्लेशन इशू हुए हैं, लेटर इशू हैं, तो कईयों को थोड़ा डाउट है। तो रेलवे बोर्ड ने जो नंबर है हमारा 21/23 RB, इसमें रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन जो है दोबारा रिपीट किए हैं, इसमें रीट्रेट किए हैं। तो ये हम पढ़ लें। पहला तो पहला है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ CGA कंप्रेशन ग्राउंड पे, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जवाबदारी है। तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बोला इसमें, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक प्रोडक्शन यूनिट एक्सेट्रा शुड एंश्योर द प्रॉपर गाइडेंस इज गिवन टू फैमिलीज एप्लीकेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड फॉर कंप्लेंट। इसमें कहा कि सर जो रेलवे प्रशासन या है प्रोडक्शन यूनिट का या नॉर्मल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, वो एंश्योर करें कि जो फैमिली परिवार है या जो एप्लीकेंट है उसको कंप्रेशन ग्राउंड के संबंध में प्रॉपर जानकारी दी गई है, गाइडेंस दिया गया है कि नहीं है, ये रेलवे प्रशासन की जवाबदारी है। फॉर द अबव अमंग अदर थिंग्स, अ ब्रोचर शुड ब्रोचर गिविंग एन आउटलाइन ऑफ द प्रोसीजर इंक्लूडिंग ए चेकलिस्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट टू बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन फॉर कंप्रेशन अपॉइंटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय ईच रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। इसमें कहा गया है कि एक ब्रोचर बनाना चाहिए सभी रेलवे को, साथ में उसके साथ चेकलिस्ट भी दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी जो एप्लीकेशन जो सबमिट करे तो उसको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या है, साथ में एप्लीकेशन बनाए कि क्या क्या उसको देना है, चेकलिस्ट क्या क्या ध्यान रखना है फैमिली को, साथ में चेकलिस्ट में भी क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। बी में लिखा हुआ है कि रजिस्टर शुड बी मेंटेन बाय वेलफेयर विंग इन ईच डिपार्टमेंट ईच डिविजन यूनिट एक्सेट्रा कंटेनिंग डिटेल पर्टिकुलर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द डेट ऑन विच चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज वुड अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी एक्सेट्रा। वन कॉलम इन द रजिस्टर शुड इनवेरियबली इंडिकेट द फाइल नंबर ओपन फॉर द केस। इसमें कहा गया है कि जो वेलफेयर विंग होगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट या वेलफेयर इंस्पेक्टर जो होते हैं डिविजन यूनिट के, वो लोग जो है एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें कभी कर्मचारी की जो डिटेल होगी कि कर्मचारी जो है किस यूनिट में काम करता था, किस पोस्ट पे काम करता था, क्या डेजिग्नेशन था, कब एक्सपायर हुआ, साथ में जो डिपेंडेंट है, जो बच्चा है नौकरी जो लेगा उसका, अगर माइनर है तो उसकी भी डिटेल्स लिखी जाएगी, क्या नाम है, क्या क्लास में पढ़ रहा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कब वो उसकी 18 साल का होगा ताकि मेजोरिटी को अटेंड करेगा, साथ में फाइल नंबर भी इसको लिखना है उसके अंदर। द वेलफेयर विंग शुड इंटीमेट द विडो द फैमिली एनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ ब्रोशर, मतलब वो कि फैमिली को पूरा ब्रोशर वगैरह देगा, बताएगा उसके अंदर क्या क्या करना है, और ये भी बोलेगा कि जैसे वो माइनर है मेजर होगा तो उसको इमिडिएटली जो है कैंडिडेट को जो है एप्लीकेशन देना है डिवीजन में जहाँ भी काम करता है। इन केस
वेल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट में देना है उसको. फर्दर इन केस द विडो ऑफ द डिजीज एम्प्लॉय हुज डिपेंडेंट वार्ड इज माइनर एट द टाइम ऑफ डेथ इज नॉट सफिशिएंट एजुकेटेड टू ग्रास्प द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोसेस, वेलफेयर सेक्शन शुड टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉर्म फिल्ड अलॉन्ग विद द एंटायर डॉक्यूमेंटेशन सो द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन डिपेंड इज लॉस. इसमें कहा गया है कि जो वेलफेयर विंग और वेलफेयर इंस्पेक्टर जो होते हैं, जो विडो को पास जाते हैं और पूरा ब्रोशर देते हैं, चेकलिस्ट देते हैं कि किस तरह से काम करना है, अगर विडो या उसकी डिपेंडेंट वो इस पोजीशन में नहीं है कि जो ब्रोशर है या चेकलिस्ट है उसमें क्या लिखा है. जनरली हमारे ब्रोशर कई बार इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में होते हैं, जो हिंदी की लैंग्वेज या लैंग्वेज होती है रेलवे की होती है, वो परिवार को उतना समझ में नहीं आ पाता कि क्या कहा गया उसमें. ये वेलफेयर इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है, प्रशासन की जवाबदारी है कि जो बंदा डिप्यूट करे पहले तो वो खुद अच्छे से जानकार हो, और वो सामने वाले जो परिवार की जो परिवार है और उसका जो डिपेंडेंट है उसको समझा सके कि ब्रोशर में क्या कहा गया है, क्या चेकलिस्ट है, ताकि जो इसकी स्पिरिट है कंपोजिशन ग्राउंड अपॉन की वो उसको फुलफिल किया जा सके. अभी आ गया है हमारा रूल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर. इसमें बताया कि क्या टाइम लिमिट है कंपोजिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन देने के लिए. प्रिस्क्राइब टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपोजिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट, सीजी एप्लीकेशन रिसीव्ड इन फेवर ऑफ एनी एलिजिबल डिफाइंड डिपेंडेंट एज प्रपोज बाय द विडो मे बी कंसिडर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इन ऑर्डिनरी कोर्स बाय द अथॉरिटी टू हुम पावर्स टेन डेलीगेट एट प्रेजेंट. इसमें कहा गया है कि जो भी कर्मचारी या उसकी जो फैमिली है डिपेंडेंट, वो जो एप्लीकेशन दिए देगी जो डिपेंडेंट के लिए, जो भी डिपेंडेंट को एलिजिबल डिपेंडेंट के लिए एप्लीकेशन जो देगी विडो द्वारा, ये एप्लीकेशन दी जाएगी. एक तो मैं पहले बता दूं कंपोशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट में जो अथॉरिटी है कि नौकरी किसको देना है, अगर एम्प्लॉय मर गया है, एक्सपायर हो गया है, तो विडो का ही राइट है कि वो डिसाइड करे कि एम्प्लॉयमेंट उसको खुद को लेना है या किस डिपेंडेंट को देना है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा लड़का है तो पहला बड़े लड़के का राइट है, फिर सेकेंड लड़के का, ऐसा कोई नहीं है. ये है डिस्क्रिशनरी पावर है विडो का खुद का कि वो किसको देना चाहती है. तो इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ऑर्डिनरी कोर्स में, नॉर्मल जो हमारा तरीका है उसके अंदर डिसाइड करे जिसकी अथॉरिटी को पावर दिया गया है. जैसे जनरली पावर डिवीजन में डीआरएम को और यूनिट प्रोडक्शन यूनिट वगैरह में सीडब्ल्यूएम को दिया गया है. तो एप्लीकेशन जो देना है वो लिखा बताया हुआ है विद इन 5 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ डेथ ऑब्लिक मेडिकल इनवैलिडेशन. तो ये मैं बता दूं यहाँ पे मेडिकल डिक्लेरेशन वर्ड यूज नहीं किया, चिकित्सा विकृत नहीं है, इनवैलिडेशन है. मैंने आपको जैसे बताया था कि इसको समझिए क्या है इसमें, ये पूर्णतः अक्षम वाला मामला है, मेडिकल इनकैपेसिटेट का मामला है, मेडिकल डिक्लेरेशन नहीं है. तो ये 5 साल बताया हुआ है विद इन 5 ईयर्स इन केस ऑफ डेट ऑफ डेथ और मेडिकल इनवैलिडेशन एंड विद इन 2 ईयर्स ऑफ अटेंडिंग मेजोरिटी वेयर द केस वाज अर्लियर रजिस्टर्ड एज माइनर. तो इसमें बताया कि नॉर्मल कोई भी डेथ होती है तो डेथ या मेडिकल इनकैपेसिटेट होता है बंदा, तो ऐसे मामले में 5 साल में उसको एप्लीकेशन देनी है. और अगर बच्चा छोटा था और माइनर था, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो जैसे वो 2 साल का बंदा 18 साल का होता है, तो बड़ा होते ही 18 साल होते ही इसको 2 साल के अंदर एप्लीकेशन करनी है. ये हमारे कुछ नियम थे. उसके बाद और कुछ नियम आए टाइम लिमिट, रेलवे बोर्ड ने कुछ लिबरल हुआ इसमें, तो उसमें कहा गया है कि अगर उपरोक्त कंडीशन में नहीं दे पाए, यानी 5 साल या 2 साल में नहीं दे पाए, तो क्या करना है. तो उसमें ये कहा गया है कि 5 साल से अधिक हो गया किसी वजह से और अप टू 20 ईयर्स. तो ये बता दूं ये पहले जो था ये पावर जीएम के पास डेलीगेट किया था, जीएम के पास मामला जाता था. ये रेलवे बोर्ड ने भी रिसेंटली जो है इसको थोड़ा सा लिबरल हो गया है और पावर डीआरएम सीडब्ल्यूएम एचओडी को दे दिया है डिविजन लेवल पे. तो अप टू 20 ईयर्स भी अगर हो गया, किसी वजह से डिले भी हुआ, 20 ईयर्स हो गया, तो ऐसे मामले भी अभी नौकरी का जो मामला है डीआरएम को लोकल लेवल पे डिविजन में डीआरएम और वर्कशॉप में सीडब्ल्यूएम को पुटअप होंगे. बियॉन्ड 20 ईयर्स अप टू 25 ईयर्स, अगर 20 ईयर्स से ज्यादा हो गया है, तो ऐसे मामले जो है जीएम के द्वारा पर्सनली विचार किए जाएंगे पर्सनल लेवल पे कि देना है नहीं देना. और ये इसमें कहा गया नॉट टू बी डेलीगेटेड फर्दर, मतलब जीएम फिर खुद ही डिसाइड करेंगे, ये पावर डेलीगेट नहीं किया जा सकता है. उसके बाद 25 साल बियॉन्ड 25 ईयर्स है, तो उसमें कहा गया है कि विद द पर्सनल प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. 25 साल से ज्यादा पुराने केसेस हैं तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे बोर्ड को जाएगा और उसमें भी जीएम साहब का पर्सनल रिकमेंडेशन लगेगा कि उनको लगेगा कि मामले में वास्तविकता है, जेन्युइननेस से दिया जा सकता है, तो मामला बोर्ड को भेजा जाएगा.
It is also clarified that irrespective of any time limit, only GM is empowered to consider and decide CGA in post of level 7 having grade pay 46 GP. Similarly, CGA to level 6 having 42 GP where DR quota is up to 25% less is also decided by GM only and not by the other. नॉर्मली जैसे मैंने बताया है कि डिवीजन लेवल में अप टू 5 साल या अप टू 20 साल डीआरएम सर डिसाइड करेंगे, लेकिन कुछ काफी सारे सर्कुलर हैं जो हम आगे बात करेंगे, उसमें ये कहा गया है कि जीएम डीआरएम को जो है अप टू लेवल 6 यानी 4200 तक की जो पोस्टें हैं हमारे डिवीजन में, मतलब 1800 से लेके 1800 1900 2000 2400 जो भी पोस्टें हैं अप टू 4200 गेट तक की पावर डीआरएम सबको है। अगर 46 का कोई बंदे को अपॉइंटमेंट देना है, 46 में किन कंडीशन में देना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, 46 में देना है तो पावर डीआरएम साहब के पास नहीं है और जीएम के पास है। इसके साथ ही ऐसी जो ग्रेड है 46 के अंदर 42 में सॉरी, तो उसके अंदर भी अगर डीआर कोटा है 25% से कम है तो वो भी जीएम के पास जाएगा। अब ये क्या डीआर कोटा होता है उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर दूंगा आपको। एक तो मैं बता दूं आपको कि रेलवे में जो पोस्टें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में वो 18 से स्टार्ट होती है और अप टू 46, और अभी जो 47 और 48 भी आ गया है नया पॉलिसी जो अपडेशन है उसके बारे में बात करेंगे, नहीं अभी क्योंकि वो कैडर में आया नहीं है, मामला चल रहा है। तो अभी तो जो हमारी करंट पोजिशन है 46 तक है, तो सभी ग्रेड में अपॉइंटमेंट कंपल्सरी अपॉइंटमेंट दिया जाता है रेलवे में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपॉइंटमेंट उसी कैटेगरी में उसी पोस्ट में दिया जाएगा जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा मतलब जिस कैटेगरी में आरआरबी से भर्ती होती है, जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी बाहर से डायरेक्ट आरआरबी से बंदे आते हैं, तो एक तो 1800 में आते जाते हैं, बाकी सब कैटेगरी में जैसे मैं बता दूँ आर्टिजन में ग्रेड 3 ग्रेड 2 ग्रेड 1 एमसीएफ जेई एसएससी होता है, तो ग्रेड 3 में डीआर कोटा होता है, उसके बाद ग्रेड 2 में नहीं होता है एक एसएनटी को छोड़ के, एसएनटी में किसी में एक दो जगह में देखा था है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऐड किया है ग्रेड 2 में भी, बाकी नॉर्मली ग्रेड 2 में नहीं होता है और ग्रेड 1 में भी नहीं होता है, उसके बाद एमसीएफ में भी नहीं होता है, फिर जेई में होता है एसएससी में भी होता है। ऐसे ही स्टेशन मास्टर है तो स्टेशन मास्टर 4200 में 4600 में नहीं है, कमर्शियल है अलग में अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, टेक मेंटर 1 2 3 4 में से 1 में होता है 2 3 4 में नहीं होता है, फिर जेई एसएससी में होता है, तो सब में अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि यहाँ डीआर कोटा है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आरआरबी से भर्ती होती है। तो जिसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जनरली बंदे का कई बार 40% होता है 50% होता है, तो अगर 25% या उससे कम है तो फिर वो पावर जो है डीआरएम को नहीं है, ये जरा बता दूं मैं आपको इसके इस लेटर के हिसाब से। हो इसमें जो मैं थोड़ा मेरी आदत है काम करने में कहीं दिक्कत ना हो हमेशा मेरी कोशिश होती है, इसलिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ कि सिर्फ हम एग्जाम पर्पस में हम इसको ना पढ़ें, जो डीलिंग करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जनरली मेरा मानना है, मैंने देखा है कि जब कॉन्फिडेंशियल सेक्शन ही सब्जेक्ट को डील करता है वो फाइल जब जाती है तो जनरली देखा जाता है 4200 में डीआर कोटा है कि नहीं देखते हैं और वो सीधा वैकेंसी पोजीशन मांगता है फाइल पूरा पड़ता है। तो इस लेटर के बाद जरा देखना पड़ेगा, देखना चाहिए उनको भी कि डीआर कोटा 25% से ज्यादा है कि नहीं, ये एक जरा हर केस में इसको देखना पड़ेगा कि 4200 में दिया जा रहा है। जनरली एक अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट 4200 में देते नहीं, पहले हमारा जो एग्जाम होता है स्टेज 1 स्टेज 2, पहला स्टेज जो होता है वो नॉर्मल सिलेक्शन होता है जिसमें कर्मचारी को अगर पास हो जाता है तो 1900 एंड अबव दिया जाता है, फेल हो जाता है तो हम ग्रुप डी में देते हैं और 1900 अबव देते हैं, और 4200 के लिए भी सेकंड एग्जाम होता है, सेकंड दूसरा एग्जाम लेते हैं जो उसका लेवल अलग लेवल का होता है 4200 और 4600 के लिए, उसमें भी कर्मचारी को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जब 4200 का एग्जाम लिया जा रहा है और कर्मचारी पास हो जाता है तो आप जब सेक्शन से वैकेंसी पोजिशन मांगते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि सीजीए में जो कर्मचारी डील करते हैं वो कई सालों से सीजीए में काम करते रहते हैं तो उनको पीआरटी का उतना नॉलेज नहीं होता है क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कितना वैकेंसी क्या है, कहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कहाँ नहीं है, हर जगह 4200 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं भी हो सकता है जैसे एमसीएफ में नहीं है, तो वो जरा इंश्योर कर लें कि जो 4200 में दिया जा रहा है डिविजन लेवल पे एग्जाम के बाद उसमें 4200 में 25% से ज्यादा वैकेंसी है सॉरी डीआर कोटा है कि नहीं, अगर 25% कम है तो फिर मामला आपको हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। ये जस्ट मैंने जो प्रैक्टिकली जो मैं देखी उसके बारे में बता दूं आपको। अगला इसमें बताया हुआ इज रिगार्ड केसेस वेयर रिक्वेस्ट फॉर सीजी हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 5 ईयर्स ऑफ द इवेंट वारंटिंग सीजी, सच केसेस भी डिसाइड बाय द अथॉरिटी। जैसे मैंने बता चुका है कि 5 साल के अंदर ही
नहीं डिसाइड किए तो फिर ये 3-1 में इसकी तरफ, मतलब नॉर्मली बताया गया 5 साल में के मामले ऐसे डिसाइड करना है और आगे फिर इस तरह के डिसाइड करना है, अथॉरिटी ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी। सिंपल, इसमें उसे कुछ समझाने का है नहीं। रेलवे शुड एंश्योर दैट ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर मेड टू गिव सीजीए टू एलिजिबल डिपेंडेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज कंसर्न विदाउट अनड्यू डिले विद इन द टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड इन पैरा एक्स डी ऑफ रेलवे बोर्ड मास्टर सर्कुलर 16। डिटेल आपको जाना है कंपोजिंग अराउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो मास्टर सर्कुलर पढ़ेंगे अपन। मास्टर सर्कुलर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। टाइम लिमिट के लिए जस्ट बता दूं आपको, प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 अलग अलग प्रायोरिटी इसमें होती है। प्रायोरिटी 1 जो हमारी होती है इसके अंदर, टाइम लिमिट की जो बात की गई है, प्रायोरिटी 1 में जो है कोई भी कर्मचारी अगर उसकी डेथ हो जाती है वाइल ऑन ड्यूटी, वाइल ऑन ड्यूटी का मतलब होता है कि ड्यूटी में दुर्घटना होना जरूरी है इसमें प्रायोरिटी में, तो कभी भी जैसे हम जो WC के अंदर गवर्न होगा पेमेंट के लिए या एस्क्रेचा जिसको मिलेगा, यानी ऑन ड्यूटी काम करते हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी, अगर उसकी कोई एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो वो प्रायोरिटी नंबर 1 में आता है। या तो डेथ हो जाती है या मेडिकली इनकैपेसिटेट हो जाता है, दोनों कंडीशन में अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ड्यूरिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होना जरूरी है उसमें, ऐसे मामले में प्रायोरिटी 1 में आएगा वो। ऐसे मामले में जो है 1 महीने के अंदर नौकरी देने का प्रोविजन है। इसके अलावा प्रायोरिटी नंबर 2, 3 अलग अलग होते हैं, जिसमें बाकी में होता है कि डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से लेकिन ऑन ड्यूटी नहीं हो, या वाइल इन सर्विस डेथ होती है मतलब ड्यूटी पर नहीं हो, घर पर हो, कहीं भी हो, रिटायरमेंट से पहले, यानी 60 ईयर्स में रिटायरमेंट होता है उससे पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बाकी प्रायोरिटीज में आती है। मेडिकल डिक्लेरेशन इन रिलेशन अलग अलग मामले जो होते हैं, सिर्फ ऑन ड्यूटी डेथ है एक्सीडेंट की वजह से तो वो प्रायोरिटी नंबर 1 में आएगा, तो वो 1 महीने में करना है, और बाकी सभी मामलों में 3 महीने में करने का टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब किया रेलवे बोर्ड ने। वाइल कंसिडरिंग बिलेटेड रिक्वेस्ट, दैट इज वाइल कंसिडरिंग बिलेटेड रिक्वेस्ट, मतलब बिलेटेड का मतलब होता है जो पुराने मामले हैं काफी देर से रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एक तो टाइमली रिक्वेस्ट होती है, बिलेटेड होती है मतलब देर से रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। देर से का मतलब बताया हुआ है दोज रिसीव बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद जो मिले, यानी रेलवे बोर्ड के हिसाब से इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि बिलेटेड रिक्वेस्ट किसको कहा जाता है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, या आफ्टर 24 ईयर्स। बिलेटेड रिक्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंपल्शन अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन बनता है, क्या किसको बोलेंगे, तो 5 साल के बाद जो रिसीव हुआ है एप्लीकेशन कंपोजिशन के लिए उसको बोलेंगे बिलेटेड रिक्वेस्ट। उसमें बोर्ड ने कहा इट शुड हावेवर बी केप्ट इन व्यू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सीजीए इज लार्जली रिलेटेड टू नीड फॉर इमीडिएट असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ द रेलवे सर्वेंट इन ऑर्डर टू रिलीव इट फॉर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। इसमें कहा गया कि कोई भी कंपोजिशन अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो उसमें जो स्पिरिट यही होती है कि कर्मचारी जो होता है उसकी सडन डेथ हो जाती है, तो जैसे मेरा ये मानना है कि कोई भी कर्मचारी, सब उसकी 1 लाख बेसिक चल रही है, 1 लाख बेसिक के ऊपर उसका DA, HRA और बाकी सारे अलाउंस मिला के कम से कम 1.5-2 लाख सैलरी हो जाती है, और जैसे ही कर्मचारी की डेथ होती है तो उसकी सीधी 1 लाख के ऊपर 50% यानी 50,000 हो जाती है प्लस थोड़े DA, तो यानी सीधा कहाँ 1.5-2 लाख और कहाँ 50,000। प्लस कर्मचारी जो होते हैं आजकल सबके पास हाउस रेंट, होम लोन लिया हुआ है, किसी ने कार लोन लिया है, तो काफी बच्चे का एजुकेशन लोन चला, बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है उसका एजुकेशन का खर्चा, तो सडनली जो है उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस उसके घर में आती है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ जाता है, तो उसके लिए उसको समस्या ना हो इसलिए सरकार ने ये कंपोजिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट का प्रोविजन रखा हुआ है। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने बोला कि ये जो देखा जाए कि भाई ये जो हमारा स्पिरिट था इमीडिएट असिस्टेंट के लिए, और इसमें फिर बात उसमें लेकिन कर्मचारी ने अप्लाई किया नहीं, तो आगे ये भी कहा गया कि द वेरी फैक्ट द फैमिली हैज एबल टू मैनेज समहाउ ऑल दिस इयर्स शुड नॉर्मली टेकन एज एडिक्वेट प्रूफ दैट फैमिली हैड सम डिपेंडेबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, देयरफॉर एग्जामिनेशन ऑफ सच केस शुड कॉल फॉर अ ग्रेट डील टू सर्कमस्पेक्शन एज पर द रीजन। सरकार ये बोल रही है कि नॉर्मली जो स्पीड है कंपोजिशन राउंड की वो यही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है तो एकदम उसको हम इमिट करें, लेकिन कर्मचारी को जरूरत ही नहीं है, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद आ रहा है, तो इस दौरान वो कैसे डिपेंड रहा, उसके पास क्या फाइनेंशियल पोजिशन थी कि रहा, तो इसको नेगेटिव में भी नहीं सोचें कि यार इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा जो भारत का जो सामाजिक रीति रिवाज है तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा छोटा हो, माइनर हो, रूल नहीं मालूम हो, रजिस्टर नहीं करा पाया हो, विडो है, पोजीशन एम्प्लॉयमेंट लेने की पोजीशन में ना हो, कई बार शॉक होता है, सडन डेथ होती है, 1-2 साल शॉक में निकल जाते हैं,
और हमारे हिंदुस्तान में और रेलवे में इग्नोरेंस ऑफ रूल का मैंने देखा बहुत ज्यादा रोल होता है। कई बार फैमिली वालों का प्रेशर होता है कि वाइफ जो है जॉब नहीं करेगी, तो वहाँ डिस्प्यूट चलता रहता है। तो कई हो सकता है पॉजिटिव में हम इसमें देख सकते हैं कि जेन्युइन रीजन भी होता है। तो इसको बस बोर्ड ने ये बोला है कि जरा आप देखें इसमें कि इतना डिले है तो क्या जरूरत है कि नहीं, बाकी कंपनी तो डिसाइड करेगी इस मामले में। आगे हम चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की है। एक तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको इनिशियल में बताया था स्टार्टिंग में, कि कंपल्सरी ग्राउंड जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है वो अगेंस्ट डायरी रिक्रूटमेंट कोटा जाता है। जिस जिस कैटेगरी में जिस जिस ग्रेड में डायरी रिक्रूटमेंट कोटा अवेलेबल है, यानी आरआरबी से भर्ती होती है, उन्हीं कैटेगरी में उसी पोस्ट में हम नौकरी देंगे। साथ ही आरआरबी का जो भर्ती है हमारा, उसमें जो जो कैंडिडेट्स जो आरआरबी ओपन लाइन से जो कैंडिडेट आते हैं, उसके लिए जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया, वो भी उसी का ही फॉलो होता है आरआरबी का, जब तक कि रेलवे बोर्ड ने कोई कंसेशन नहीं दिया हो। कुछ केसेस में रेलवे बोर्ड ने कंसेशन दिया हुआ है, बहुत एक दो केसेस में, उस केस को छोड़ के नॉर्मली हम लोग जो है आरआरबी का जो क्राइटेरिया है लेने का, वही हमारे कंपोजिशन अपॉइंटमेंट का ही आएगा। मेडिकल क्लासिफिकेशन हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, ये एज क्राइटेरिया, ये सारे के सारे जो कंडीशन होती है वो आरआरबी की ही हम पकड़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन परचेज बाय द वार्ड स्पाउस ऑफ द एक्स एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन फॉर ए कंपोजिशन अपॉइंटमेंट मे बी कंसिडर प्रायोरिटीज विद इन नॉर्मल टाइम 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ मेडिकल मिशन। और ये जो मैंने पहले बता चुका हूँ, वही कहा गया है कि जो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम किसी भी कर्मचारी की जो हम ली जाएगी, वो नॉर्मल टाइम में 5 साल के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन उसने अर्न की या 2 साल के अंदर ली, वही हम मानेंगे इसमें। अगर इसके अंदर एक डिटेल गाइडलाइंस जो रेलवे बोर्ड ने 2019 में निकाली थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो हम जा जान लें हम इसमें। इसमें कहा गया है कि एक कैंडिडेट इज अ माइनर इज अ मेजर सॉरी इफ अ कैंडिडेट इज अ मेजर एट द टाइम ऑफ डेथ मेडिकल इनवैलिडेशन ऑफ द एक्स एम्प्लॉय एंड इज ऑलरेडी एडमिटेड टू कोर्स, देन ही शैल बी अलाउड टू कंप्लीट द कोर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर्स फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। इसमें कहा है कि कर्मचारी की डेथ के टाइम पे अगर कर्मचारी लड़का जो है मेजर था, यानी 18 साल से बड़ा है, ऑलरेडी वो कोई कोर्स में कर रहा था, जैसे 11th में हो तो 11th 12th कर रहा था, या ग्रेजुएशन कर रहा हो नॉर्मल BA BCom BSc या BE कर रहा हो, तो अगर ऑलरेडी उसमें एडमिट है तो उसको कंप्लीट करने का हम उसको अलाउ करेंगे कि वो कंप्लीट कर ले, लेकिन मैक्सिमम 5 साल का टाइम देंगे, 5 साल में करना पड़ेगा उसको। साथ में ये भी कहेगा हिज कैंडिडेट फॉर कंपोजिशन वुड कंसिडर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब कर्मचारी डेथ हो उसका, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो, लेकिन ये बता दूं इसमें एक थोड़ी जानकारी, पहले पुराना नियम ऐसा था कि कर्मचारी की डेथ के वक्त जो एम्प्लॉय की क्लास क्वालिफिकेशन होगी उसी को ही माना जाएगा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी अलाउ करती थी कि पहले पढ़ाई कर ले, लेकिन उसको माना नहीं जाता था, बोला ये कहा गया था पहले पुराने नियमों में कि जो डेथ के टाइम पे जो क्वालिफिकेशन है वो उसी के आधार पे जॉब मिलेगी। तो ये रेलवे बोर्ड ने बड़ा अच्छा निर्णय निकाला इसमें 2019 में, और काफी बेनिफिट दिए हैं इसमें कंपोजिशन अपॉइंटमेंट के मामले में, कि कर्मचारी को पढ़ने भी दिया जाएगा, टाइम भी देंगे हम 5 साल तक, और कर्मचारी जो पढ़ाई करके 5 साल के अंदर जो भी डिग्री हासिल कर कोर्स कंप्लीट कर लेगा उसके अकॉर्डिंगली ही उसको नौकरी मिलेगी। ये इन्होंने कहा, अच्छी बात बोली है। लेकिन एक बात लास्ट में बोली है कि परस्यूइंग ए कोर्स अदर देन दैट टू वार्ड द कैंडिडेट ऑलरेडी बीन एडमिटेड एट द टाइम ऑफ डेथ मेडिकल इन्वेस्टन ऑफ द लेट एम्प्लॉय विल नॉट अलाउड काउंट फॉर दिस पर्पस। मतलब कोई कर्मचारी का बच्चा है, वो मान लीजिए वो BE कर रहा है, BE मान लीजिए उसकी 1 साल ही बाकी है सपोज, या 2 साल बाकी है, तो वो तो 2 साल में कर लेगा, लेकिन उसको आगे हायर MA भी करनी है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, तो कर सकता है, उसे मना तो नहीं किया उसमें, 5 साल तक आ सकता है, तो वो करना चाहे कर ले, लेकिन उसकी जॉब जो दी जाएगी उसी बेस पे दी जाएगी जो कोर्स कर रहा था, यानी कि BE के बेस में ही दी जाएगी। उसके बाद जो कोर्स का उसका कंटिन्यू चल रहा था, वो फ्रेश स्टार्ट करने को नहीं बोला बोर्ड ने, कर सकता है 5 साल का टाइम में है टाइम, लेकिन उस पे फिर नौकरी नहीं मिलेगी उसकी, तो जो कोर्स चल रहा था उसी के बेस में ही इसको पकड़ा जाएगा। दूसरा बोला इफ कैंडिडेट इज माइनर एट द टाइम ऑफ डेथ मेडिकल इनवैलिडेशन ऑफ लेट एक्स एम्प्लॉय बट एट द टाइम ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी ही शी ऑलरेडी एडमिटेड टू परस्यूइंग ए कोर्स ही शी बी अलाउड टू कंप्लीट द कोर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑन टेकिंग ड्यू परमिशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इज हर कैंडिडेचर फॉर द सी जी अपॉइंट वुड कंसिडर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन अकॉर्ड। मेजर का तो हमने बता दिया, इसमें कहा कोई कर्मचारी है उसका बच्चा माइनर है,
जिस टाइम कर्मचारी की मृत्यु हुई या मेडिकल डिक्लेरेशन इनवैलिडेशन हुआ, बट जिस टाइम वो मेजोरिटी अटेंड कर रहा है 18 साल का है, अगर 18 साल के टाइम पे वो ऑलरेडी कोई कोर्स में एडमिटेड है वो, तो ऑब्वियसली जॉब तो नहीं कर पाएगा वो। तो इसमें भी कहा गया है कि अगर वो जब 18 साल का हो रहा है उस वक्त ऑलरेडी कोई कोर्स में BMA या BE में कर रहा है, पढ़ रहा है, BSc पढ़ रहा है बीच में उसका वो, तो उसको भी अलाउ किया जाएगा वो अपना कोर्स पूरा कर ले। और फिर लेकिन उसमें मैक्सिमम टाइम 5 साल का दिया हुआ है कि 5 साल के अंदर उसको करना पड़ेगा, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ेगा, टेकिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका भी कहा गया है कि जो कैंडिडेटर होगा उसकी उपयुक्तता, जो पात्रता बोलेंगे इसमें, कैंडिडेटर को पात्रता बोलेंगे, तो पात्रता उसकी रहेगी नौकरी के लिए, जो क्वालिफिकेशन पूरा पढ़ लेगा वो कंप्लीट करके आएगा, वो कंप्लीट की हुई क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसको नौकरी दी जाएगी रेलवे में। सी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोवाइड दैट इंस्टीट्यूशन कवर्ड अंडर बोथ ए एंड बी अबव वेयर द कोर्स ऑफ स्टडी स्पिल्स ओवर बियॉन्ड द एकेडमिक ईयर इन विच द डेट ऑफ डेथ मेडिकल इन्वेस्टेशन ऑफर द एलिजिबिलिटी फॉर सीजी अपॉइंटमेंट कंसिडरेशन वुड बी लिमिटेड पोस्ट बिलो द 7। इसका इंटरप्रिटेशन मेरे ख्याल से सबका अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे तो, कि क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं। मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बता दूँ, आप अपने लेवल पर समझ सकते हैं। इसमें क्या गया कि जो 5 साल की जो कंडीशन दोनों में रहती है, मेजर में भी और माइनर में भी, उसमें कहा गया है कि कर्मचारी की अगर मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, मैं ऐसा समझाता हूँ एग्जाम्पल से, 2023 का फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, एकेडमिक एकेडमिक बोलेंगे, फाइनेंशियल नहीं है, एकेडमिक जनरली हमारा जुलाई से स्टार्ट मानते हैं, या किसी का सेंट्रल स्कूल है तो अप्रैल से चालू होता है। तो ये एकेडमिक ईयर मैंने कि मई जून से लेके अगले मार्च अप्रैल मई जो भी चल रहा है साल में, इस साल कर्मचारी की डेथ होती है या मेडिकल इनवेलिड होता है, तो अगर कर्मचारी जो उसको समझा जाए थोड़ा, तो अगर इसी साल उसकी नौकरी कंप्लीट हो जाती है उसकी, मान लो BA फाइनल ईयर में है बंदा, या BSc फाइनल ईयर में है, या डिग्री का फाइनल ईयर है, या BE इंजीनियरिंग डिग्री का फाइनल ईयर है, तो ऑब्वियसली इस साल के एंड तक खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मामले में तो उसको 46 के लिए भी एलिजिबल होता है, अगर वो जैसे उसने BSc किया है तो स्टेशन मास्टर में तो है नहीं, सॉरी BE किया उसने, तो BE में जो है 4600 में दिया है प्रोविजन तो मिलता है। लेकिन अगर उसको उसका इस साल कंप्लीट नहीं होता, जिस साल कर्मचारी की डेथ हुई है, और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगले साल मान लिया उसका हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, इवन थर्ड ईयर में हो, BE के अंदर बता रहा हूँ मैं एक बाकी, तो ऐसे मामले में कहा गया है कि उसको अलाउ तो किया जाएगा 5 साल के लिए, 5 साल कंप्लीट कर ले, लेकिन क्योंकि वो स्पिल्स ओवर दूसरे एकेडमिक ईयर में गया हुआ है, फेल गया उसका पढ़ाई अगले साल अगले एकेडमिक ईयर में भी, तो ऐसे मामलों में कंपोजिशन अपॉइंटमेंट जो है सिर्फ अप टू 4200 तक ही दिया जाएगा, ये कहा गया है 84 में। इसको जरा आप थोड़ा सा समझ लीजिए अपने लेवल पे, मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात बोलिए, इन द अबव प्रोविजंस आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन बियॉन्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर लेवल 1। एक्सटेंड प्रोविजन विल होल्ड गुड एज रिगार्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कंसीडरिंग कंपोजिशन अपॉइंटमेंट फॉर लेवल 1। ये कहा गया है कि ये जो ऊपर सारी जो बातें कही हैं इसके अंदर ए और बी के अंदर और सी के अंदर, ये कहा गया उन लोगों के लिए कि जो लेवल 1 के ऊपर के लिए रहे। Above provisions are in the context of acquiring higher qualification beyond the level 1 qualification. मतलब level 1 के लिए नहीं है, level 1 के लिए 10th ही है, तो ये क्वालिफिकेशन रहेगी level 2 एंड अबव के लिए रहेगी, उनके लिए लागू होगा। level 1 के लिए जो नियम इसमें कहा गया है कि जो नियम अभी तक चल रहे थे वही नियम आगे भी चलते रहेंगे, तो ये जो बातें हैं ए और बी के लिए, ए और बी सी के लिए, ये level 1 के लिए लागू नहीं होगी, ऐसा कहा गया बोर्ड ने। अब हम अगला क्वेश्चन, अगला हम लेते हैं RBI नंबर। ये हमारा जो RBI निकला था रेलवे बोर्ड ने, इसको मैंने पूरा समझा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सोचा था कि इस CG के ऊपर कुछ सर्कुलर रेलवे बोर्ड ने निकाले हैं, उसको हम जरा सा ब्रीफ कर लें। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा इसमें। RBI नंबर 20/23 है, जिसमें कहा गया है ग्रांट ऑफ कंपोजिशन अपॉइंट टू स्पाउस वार डिपेंडेंट ऑफ डिसीज 10 एम्प्लॉइज। रेलवे में अलग अलग नियम, जैसे मैंने बताया था कर्मचारी की डेथ हो गई है, तो कुछ केसेस में ऐसा कहा गया कि ट्रेन ही है, मतलब कोई आदमी RRB से भर्ती होके आ रहा है और ट्रेन ही कर रहा है वो, ये RRB का नियम, सॉरी मैं वापस जाऊंगा। ये कहा गया है कि एक रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला था 2019 में, 90/19,
जिसमें कहा गया था कि द स्पाउस ऑफ डिजीज एम्प्लॉय हुज वार्ड वाज अपोनेंट इन कंपोशन ग्राउंड एंड डाइड इन हार्नेस व्हाइल अंडरगोइंग प्री रिक्विज ट्रेनिंग मे बी परमिट टू नॉमिनेट आइदर अनदर वार्ड हिमसेल्फ और द वीडियो ऑफ द डिजीज ट्रेनिंग फॉर कंपोशन। इसमें कहा गया कोई सीजीए के अंदर मैं बता दूं आपको अलग अलग जैसे जॉब देते हैं तो कई बार आर्टिजन कैटेगरी में भी देते हैं जिसमें प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कंपल्सरी है। तो उसमें बोर्ड ने एक नियम जो बताया है अभी रिसेंटली उसमें कहा गया है कि प्रोविजन को थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है। इसमें रेलवे बोर्ड ने लास्ट का इम्पोर्टेंट पैरा है वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि इन केस स्पाउस जो है इसमें मान लीजिए कोई कर्मचारी है उसकी डेथ हो जाती है तो वाइफ जो होगी उसकी वो जो है क्या करेगी, मतलब उसके क्या ऑप्शन है वो मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। द स्पाउस ऑफ द डिसीज एम्प्लॉई हुज वार्ड वाज अपोनेंट कंपोशन ग्राउंड एंड डाइड पब्लिक मेडिकली इनकैपेसिटेटेड व्हाइल अंडरगोइंग प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग मे बी परमिटेड टू नॉमिनेट आइदर अनदर वार्ड और विडो पब्लिक वाइफ ऑफ द डिसीज मेडिकल इनकैपेसिटेटेड ट्रेनिंग फॉर कंपोशन। मतलब जो कर्मचारी की जो पत्नी होगी जिसके बच्चे को नौकरी मिली है ठीक है ना, उसकी प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग करते हुए यानी वो ट्रेनिंग कर रहा था उस दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है मेडिकल इनकैपेसिटी हो जाती है तो मामला फिर वापस उसी वाइफ स्पाउस के पास जाएगा जो पहले जो कर्मचारी की जो पत्नी थी जिसके बच्चे को नौकरी मिली कि वापस वो आयदर दूसरे बच्चे को नौकरी दे या खुद नौकरी ले लें। अनदर वार्ड और हर दोनों लिखा हुआ है। तो अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी वाइफ अगर किसी बच्चे की नौकरी के लिए सफाइश करती है और नौकरी मिल जाती है उसको और बच्चा अगर ट्रेनिंग करते हुए दौरान उसकी डेथ होती है मेडिकल इनकैपेसिटी होता है तो वापस वाइफ के ऊपर ही मामला जाएगा, उसी का मर्जी चलेगी। वो चाहे तो खुद के लिए दोबारा सेकंड टाइम में खुद के लिए सोचे नौकरी करने के लिए या दूसरे बच्चे के लिए सोचे, या फिर वो चाहे तो जो बच्चा को नौकरी मिली थी उसकी वाइफ के लिए उसकी विडो या उसकी वाइफ के लिए वो रिक्वेस्ट डाल सकती है कंसीडर कर सकती है। ये नियम है कि अगर उसकी वाइफ जिंदा है कर्मचारी की वाइफ जिंदा है तो। लेकिन इसमें फर्दर फिर लोगों ने डाउट किया कि वाइफ नहीं है तो फिर क्या करना है, तो इसमें लिखा हुआ इन केस स्पाउस ऑफ डिसीज एम्प्लॉय इज नॉट अलाइव फॉर नॉमिनेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोई कर्मचारी की डेथ होती है तो उसमें जो राइट है डिसाइड करने का वो वाइफ का है। तो ये रेलवे बोर्ड ने पहले 2019 में निकाला था कि वाइफ डिसाइड करेगी वो खुद करना है बच्चा को करें या जो एम्प्लॉय मर गया है कैंडिडेट उसकी वाइफ को। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी आए जिसमें वाइफ ही नहीं है तो इश्यू आएगा कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि हर आदमी बोलेगा जो कैंडिडेट कर्मचारी जो मर गया उसका भाई बोलेगा कि मेरा भाई मर गया मेरे पिताजी की नौकरी मिली तो मुझे दो, उसकी विडो बोलेगी कि मुझे दो। इसमें भी रेलवे बोर्ड ने क्लियरिफाई कर दिया है कि अगर वाइफ नहीं है जो डिसाइड करेगी तो फिर क्या करना है। तो इसमें कहा गया है कि इफ डिसीज पब्लिक मेडिकल इनकैपेसिटेट सीजीए ट्रेनी इज मैरिड देन विडो वाइफ ऑफ द डिसीज मेडिकली इनकैपेसिटेट सीजीए ट्रेनिंग में भी कंसिडर। इसमें थोड़ा सा फिर उसकी वाइफ के लिए कंसिडरेशन दिखाया बोर्ड ने कि अगर वो ट्रेनी था और वो मर गया लेकिन उसकी मर गया या मेडिकल इनकैपेसिटी दोनों मामले में अगर उसकी वाइफ है वो शादीशुदा है तो फिर उसकी वाइफ को ही नौकरी पे के मामले में विचार किया जाएगा। लेकिन अगर डिसीज मेडिकल इनकैपेसिटी सीजीए ट्रेनी इज अनमेरिड देन अनदर वार्ड ऑफ द ओरिजिनल एम्प्लॉय में भी कंसिडर। इसमें थोड़ा सा फेवर किया है विडो के लिए कि अगर एम्प्लॉय जो कैंडिडेट था जो ट्रेनिंग कर रहा था वो मर गया तो उसकी वाइफ को नौकरी मिलेगी उसका राइट बन जाएगा, और अगर वो अनमेरिड था तो जो पूर्व कर्मचारी था या तो हम बोले कि जो ट्रेनिंग था मर गया उसकी भाई को दी जाएगी, या अनदर वार्ड का मतलब भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है सिस्टर भी हो सकती है तो उसको नौकरी जाएगी। ये क्लेरेशन रेलवे बोर्ड ने ये भी रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने 25 जनवरी 2023 को निकाला हुआ। अब आगे हम चलते हैं, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला हुआ है आरबी 101/22/23 अगस्त का लेटर है कंपोशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर। मैं बता दूं आपको कि रेलवे बोर्ड ने पहले एक लेटर निकाला था उसका नंबर है वो 30/12/19 को निकाला था जिसमें कहा गया है कि व्हेनेवर सीजीए इनटू एसएससी इज बीइंग रिकमेंडेड इन रेयर केसेस। रेलवे बोर्ड ये बोलता है कि एसएससी में जो है हमारा मैक्सिमम जो अपेक्स लेवल आता है ग्रुप सी में 4600 में उसमें रेयर केस में नॉर्मल केस में नहीं देना उसको, नॉर्मली आपको 4200 देके देना है लेकिन अगर बहुत ही रेयर केस में बच्चा बहुत होशियार है इंटेलिजेंट है जो भी है कंप्यूटर उसे डिसाइड करे कि रेयर केस में अगर देना है तो उसके लिए कंडीशन दी थी सच एज वेयर द कैंडिडेट हैज ग्रेजुएशन फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी और एनआईटी, यानी कि कर्मचारी जो होगा सॉरी बच्चा जो होगा जो एसएससी में किसी बच्चे को देना है कंपटीशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट तो उसने जो इंजीनियरिंग डिग्री की होगी वो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं की होगी वो
प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से किया हो, आईआईटी और एनआईटी से ही किया होगा तभी, ये तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए वो, और आईआईटी और एनआईटी से ही किया होगा तभी हम कंसीडर करेंगे। उसमें ये भी कहा था द केस बी रिकमेंडेड टू हेडक्वार्टर फॉर कंसीडर बाय एन एसएजी कमेटी नॉमिनेटेड बाय जीएम। इसका जो स्क्रीनिंग करेंगे वो एसएजी कमेटी करेगी और जिसको जीएम नामित करेंगे। अब इसको थोड़ा सा लिबरल कर दिया क्योंकि आईआईटी और एनआईटी के बच्चे जनरली क्यों आएंगे सीजी करने, ऑब्वियसली आईआईटी में जो बंदा पढ़ रहा है वैसे ही वो पॉसिबल ही नहीं, वो वैसे ही बाहर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और रेलवे कर्मचारी के बच्चे जनरली ये मानते हैं कि वैसे पढ़ते हैं आईआईटी में भी एनआईटी में, लेकिन थोड़ा सा संभावना उसकी कम होती है क्योंकि रेलवे में जो बड़ा विशाल जो हमारा कैडर है उसमें थोड़ी संभावना परसेंट हिसाब से काफी कम हो जाती है। तो रेलवे ने इसमें, बोर्ड ने इस पर थोड़ा विचार किया और इसमें जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वाला जो मामला था ये हटा दिया इन्होंने। इन्होंने अब कहा है कि वेन एवर सीजी इन टू एस एस सी इज बिंग रिकमेंडेड इन रेयर केसेस, रेयर वर्ड तो अभी भी लिखा हुआ है, इट मस्ट बी इंश्योर द कैंडिडेट इज फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड इज इन पोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एंड सच केस बी रिकमेंडेड टू हेडक्वार्टर फॉर कंसिडरेशन बाय एन एस एस जी कमिटी नॉमिनेटेड बाय जीएम, पेपर टू सेट टू बी ऑफ एडुकेट टेक्निकल स्टैंडर्ड। तो इसमें जो पहला था कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी एनआईटी ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, मैंने शायद डाला भी था सीजीए के अंदर इसमें कि आईआईटी एनआईटी जो पहले था वो हट गया, अभी फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए तो उसको 4600 में दिया जा सकता है। और इसमें कमिटी जो होगी वो एसएजी कमिटी होगी नौकरी के लिए। कंपल्शन अपॉइंटमेंट एंड कंपल्शन ऑन केस ऑफ मैरिड डाटा डाइवोर्स डाटा विरोध, ये एक इशू कई बार कंफ्यूज लोग होते हैं कि मैरिड डाटा डाइवोर्सी डाटा उसका जो मामला है जीएम साहब डिसाइड करेंगे कि डिवीजन में करना है। तो रेलवे बोर्ड ने इसमें क्लेरिफाई कर दिया है कि ये जो मामले हैं इसमें बता दिया है कि 2014 में इसको स्पेसिफाई किया है, उन्होंने ये कहा है कि हैं सच केसेस नीड नॉट टू बी डील्ड ओनली एट जीएम लेवल एंड मे बी डील्ड बाय द कंसर्न कंपनी अथॉरिटी अप्रूविंग सीजी केसेस ड्यूली इंश्योरिंग ऑल। तो यानी कि अब जो इसको जो मामले हैं तीनों मामले मेरिट डाइवोर्स और विरोधाभास के मामले भी नॉर्मल केस में जो डीआरएम डील करते हैं वो कर सकते हैं, ये ऐसा कहा गया इसमें। अगला है हमारा अपॉइंटमेंट है 68/20 आरबी नंबर, इसमें कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑन हायर अपॉइंटमेंट ऑन कंपल्शन ग्राउंड एक्विजिशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन कंसीडर टू डिसीजन टू परमिट कैंडिडेट टू पोस्ट पोस्टपोन सीजीए फॉर कंप्लीशन हायर क्वालिफिकेशन मेड विद इन 2 ईयर्स ऑफ अटेंडिंग मेजोरिटी एज कंटेंट इन लेटर नंबर। इसमें कहा गया है कि नॉर्मली जो है परमिशन लेने की बात की हायर क्वालिफिकेशन के लिए, तो नॉर्मली लोगों ने क्वालिफिकेशन के लिए जो परमिशन देने की बात आई तो ये पूछा गया किसी ने बोर्ड से कि भाई नॉर्मली तो डीआरएम शेड्यूल दे सकते हैं लेकिन डीआरएम शेड्यूल का जो पावर है नौकरी देने का वो अप टू लेवल 6 ही है, 7 में तो वो नौकरी दे ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो है हायर एजुकेशन के लिए अप्रूवल कौन देगा परमिशन के लिए, उसमें बोर्ड ने बोला है इट हैज बीन डिसाइडेड दैट अप्रूवल फॉर कैंडिडेट फॉर पोस्टपोन सीजीए फॉर कंप्लीशन हायर क्वालिफिकेशन मेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम अटेंडिंग मे बी कंसीडर्ड एट डीआरएम एचओडी सीएम लेवल सिंस कंप्लीशन का अपॉइंटमेंट केस यूजुअली अराइज एट दैट लेवल। इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ अप्रूवल देने की बात है तो कहा कि चूंकि मामला जो भी होता है हेडक्वार्टर में जीएम के पास आता है वो डीआरएम से थ्रू ही होकर आता है तो उसके लेवल पे ही डिसाइड करना है। तो हायर क्वालिफिकेशन का जो मामला है ऑब्जेक्टिव में आता है कि अगर लेवल 7 में भी अप्रूवल डीआरएम लेवल पर दिया जा सकता है, नौकरी तो जीएम ही देंगे लेकिन सिर्फ अगर हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के लिए टाइम लिमिट का जो देना है परमिशन तो वो डीआरएम लेवल पे दिया जा सकता है, ये ऐसा कहा गया है इसमें। अगला है हमारा आरबी 218/19, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने 2019 में निकाला है, अपॉइंटमेंट ऑन कंपल्शन ग्राउंड केस ऑफ सेकेंड वाइफ फॉर हर वार्ड, यानी कोई कर्मचारी है उसकी दूसरी पत्नी है उसके बच्चे हैं उसको नौकरी देने के बारे में क्या नियम है कंपल्शन ग्राउंड पे, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाला था 92 में, टाइम टू टाइम जो भी क्लेरिफिकेशन बोर्ड के आए उसमें बोर्ड ने अभी तक ये कहा गया है कि सेकेंड वाइफ और बच्चे को नौकरी नहीं दी जाएगी सीजीए में, साफ मना कर दिया था कि नहीं देना है। फिर मामले कई कोर्ट में गए और कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद में फिर रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी रिवाइज की है
ये पॉलिसी हिंदी में थोड़ा मैं बताता हूँ, हमारे हिंदी वाले भाषी बहुत अच्छे हैं और काफी अच्छा सा समझाया इसमें। इसमें ये कहा गया है कि अब यह विनिश्चय किया बोर्ड ने, अभी आरबी जो था 1/92 के आंशिक अधिक्रमण में, कि उसमें अब थोड़ा सा प्रोविजनली उन्होंने अमेंडमेंट किया हुआ है, और उसमें कहा कि अब डिसाइड किया है, अब यह विनिश्चय किया है कि दूसरी पत्नी से हुए बच्चों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। कहा गया कि अब जो है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट और काफी हाई लेवल में गया हुआ है, वहां पे भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं, तो उसके हिसाब से अब कहा कि ठीक है, अब सेकेंड वाइफ के बच्चे जो अपॉइंटमेंट वाला मामला है, अगर वाइफ सेकेंड वाइफ के बच्चे हुआ उस पर आप जो है विचार कर सकते हैं, चाहे प्रशासन द्वारा विशेष रूप से दूसरे विवाह की अनुमति ना दी गई हो, यानी परमिशन ना दी हो उसकी, इलीगल मैरिज हम बोलते हैं। वैसे ये तो सरकार कोर्ट डिसाइड करेगा लीगल इलीगल, लेकिन अगर अनुमति नहीं दी है तो भी उसके बच्चे को नियुक्ति विचार किया जा सकता है। बहरहाल चूंकि कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात वरीयता के आधार पर केवल एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, अतः ऐसी नियुक्ति के लिए दूसरी पत्नी से बच्चों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि पहली पत्नी या उसके बच्चों को इसमें आपत्ति नहीं है। तो ये सेकंड जो वाइफ के बच्चों का हम तभी विचार करेंगे जब पहली पत्नी या उसके बच्चों को कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है ना, तभी दिया जाएगा। यानी प्रेफरेंस प्रायोरिटी नंबर 2 पे रहेगा, प्रायोरिटी नंबर 1 में तो पहली वाइफ के बच्चे, पहली वाइफ उसके बच्चे रहेंगे। और यदि पहली पत्नी जो कि विधिक रूप से विवाहित पत्नी बोलते हैं, जो उसकी लीगली वाइफ है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए स्वयं या उसके बच्चों में किसी एक को नियुक्ति का विकल्प देती है, तो ऐसे दावों को दूसरी पत्नी द्वारा उसके बच्चों के लिए किए गए किसी भी दावों के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी किसी कर्मचारी की दोनों पत्नियां हैं अगर जीवित है, तो फिर पहली पत्नी से पूछा जाएगा राइट, पहली पत्नी का वो किसको दे, वो चाहे तो खुद के बच्चों को दे सकती है या अपने खुद के लिए बोल सकती है या अपने बच्चों के लिए बोल सकती है, तो सेकेंड वाइफ के बच्चे का राइट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो चाहे तो वो दे सकती है, और इसमें से इतना कहा गया, लेकिन मेरे पास एक रिसेंटली एक केस आया था जिसमें फर्स्ट वाइफ डेथ हो चुकी थी और उसके बच्चे भी सब एक्सपायर हो चुके थे, तो सेकेंड वाइफ के बच्चे ही थे उसमें, तो फिर वाला कोई इशू था ही नहीं, फर्स्ट वाइफ का ऑब्जेक्शन नहीं था, तो सेकेंड वाइफ के बच्चों को भी हमने कंसिडर किया उसमें। ये मैं जस्ट मैं आपको बता दूँ जानकारी। ये अगला क्वेश्चन, अगला लेटर है 181/2018, आरबी नंबर है, अपॉइंटमेंट कंपोजिशन ऑन प्रायोरिटी नंबर 1 केसेस। ये रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला था, इसमें जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जैसे मैं आपको प्रायोरिटी नंबर 1 बता दिया है, उसमें कहा गया इट हैज बीन डिसाइड बाय द बोर्ड दैट फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉई हु डाइड एंड आर परमानेंटली क्रिप्ड इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, प्रायोरिटी नंबर 1, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ on offering him her clerical post and this power is hereby delegated to DRM schedule solely for dependents of the employee who died or permanently crippled in the course of duty। इसमें कहा गया है कि कोई कर्मचारी है और उसकी या तो डेथ होती है, परमानेंटली क्रिपल्ड हो जाता है, यानी मेडिकल इनवैलिड हो जाता है, और प्रायोरिटी नंबर 1 का केस है। प्रायोरिटी नंबर 1 का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी करते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ या मेडिकल इनवैलिड होता है, ऐसे मामले प्रायोरिटी नंबर 1 आता है। और चूंकि मैंने अभी ये, चूंकि क्लरिकल का जो मामला आता है, क्लरिकल का मामला जनरली हेडक्वार्टर ही डील करता है, तो ये स्पेशल केस में बोर्ड ने पावर जो है डेलीगेट किए गए हैं डीआरएम और शेड्यूल को, ये जरा आप देख लीजिए। अगला है 2018 का, ये अपॉइंटमेंट कमिटी डेलीगेशन ऑफ पावर। ये मैं आपको बता दूं आपको, रेलवे बोर्ड ने इसमें क्या गया है, इसमें मुझे थोड़ा डिस्कस करना था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अटेंशन इन्वाइटेड टू रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीज लेटर 2010 का है, आरबी नंबर 80/2010, वेर इन बोर्ड हैड पावर टू कंसिडर अपॉइंटमेंट ऑन कंपोजिशन ग्राउंड इन 42 एंड अबव, वेयर डायरेक्टमेंट कोटा इज 25% और लेसर, इन पैरा 2 ऑफ बोर्ड लेटर नंबर जो 2011, हियर बाय दिस पावर वर डेलीगेट टू जनरल। तो रेलवे बोर्ड ने बोला क्या है कि 2010 का जो लेटर था उसमें 4200 एंड अबव, 4600 4200 एंड अबव, मतलब 4200 में 4600 में जहाँ डायरेक्टमेंट कोटा 25% से कम है, वहां पहले 2010 के लेटर के हिसाब से मिनिस्ट्री को पावर था, रेलवे मिनिस्ट्री को, वो पावर फिर डिलीट कर दिए 2011 में वाइड आरबी 77/2011, जिसमें जीएम को पावर डिलीट कर दिए हैं कि जहां 4200 4600 में 25% डीआर कोटा से कम है, डीआर कोटा 25% कम है, तो वो अब जीएम साहब कर सकते हैं।
फिर बाद में ये लेटर निकाल दिया, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट डीआरएम सीडब्ल्यू एचओडी में कंसीडर्ड अपॉइंटमेंट ऑन कंपोजिशन कैन ओपन अप टू लेवल 6 ऑफ 7 सीपीसी बेटिक्स। इसमें क्या है कि अब बोर्ड ने निश्चय किया है कि डीआरएम सीडब्ल्यू जो है वो लेवल 6 तक के मामले जो है वो कंसीडर कर सकते हैं और लेवल 7 बोर्ड जीएम साहब करेंगे। तो इसका एक्चुअली मतलब जो मेरा उस वक्त निकला था कि अब ये जो 25% वाला जो पावर है पहले बोर्ड के पास था, फिर जीएम के पास आ गया, अब इसको डीआरएम को डिलीट कर दिया रेलवे बोर्ड ने ये 2018 में। इसका मतलब एक्चुअली यही निकलता है जब इसका रेफरेंस दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो रेलवे बोर्ड ने, मैं इसमें पेज नंबर देख लूँ, 14 है, लेकिन अब बोर्ड ने इसके अंदर जो बात, अभी जो रिसेंटली मैंने आपको पहला लेटर बताया था RB 21/23, उसमें रेलवे बोर्ड ने, या तो यही मैं आपको बोल रहा था कि समझ समझ में थोड़ा सी कंफ्यूजन होता है इंटरप्रिटेशन का, तो इसमें मेरा तो इंटरप्रिटेशन यही था कि जो लेस देन 25% वाला मामला भी डीआरएम को डिलीट कर दिया, लेकिन अभी इसका रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला है जिसमें RB 21/23 है, जिसमें ये कहा गया है कि जहाँ 25% से कम का डीआर कोटा है 4200 में, वो जीएम के पास ही जाएंगे। तो ये जो लोगों ने शायद मिसअंडरस्टैंड की या जो भी मामला रहा, वो भी रेलवे बोर्ड ने 21/2023 में क्लियर कर दिया है कि जहाँ 25% से कम डीआर कोटा है वहां अब जीएम साहब ही करेंगे। तो जस्ट मुझे इस पर डिस्कशन करना, इसलिए बात किया मैंने। RB 145/18 कहा गया है रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, तो इसमें कहा गया है कि डीआरएम जो है मेकिंग अपॉइंटमेंट कंपोजिशन ग्राउंड डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर में रिलैक्स टाइम लिमिट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट टू ग्रुप डी पोस्ट। इसमें रिलैक्सेशन की मैं बात कर दूं तो जो नियम है हमारे पास, कोई नॉर्मली मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है रेलवे में अपॉइंटमेंट के लिए वो 18 साल है। मैंने सीजे के में जो अपॉइंटमेंट था उसके अंदर मैंने बताया था 18 साल से कम में अगर नौकरी देनी है किसी को तो अप टू 1 ईयर्स एज रिलैक्सेशन जो है वो जीएम साहब दे सकते हैं, यानी 17 साल तक, और उससे बियॉन्ड नीचे जाना है तो उसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे को अप्रोच करना पड़ेगा, मामला बोर्ड जाएगा। ये तो हो गया लोअर साइड रिलैक्सेशन। अपर साइड के लिए रेलवे बोर्ड ने ये पॉलिसी निकाली है 18 में, जिसमें कहा गया है कि जो डीआरएम है, ये पुराना नियम था 90 से आया हुआ चल रहा है, रेफरेंस दिया 90 का, जिसमें क्लियरली बोला है कि ग्रुप डी के मामले में डीआरएम आराम फ्रीली द अपर एज लिमिट में भी फ्रीली रिलैक्स ऑन द मेरिट ऑफ केस। में कहा गया है कि अपर एज लिमिट जो है ग्रुप डी के मामले में तो डीआरएम सिर्फ इजिली फ्री रिलैक्स कर ही सकते हैं। अब नया इसमें एक प्रोविजन बताया कि द इश्यू ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर डीआरएम रिगार्डिंग रिलैक्सेशन और अपर एज लिमिट इन मेकिंग कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट वाज अंडर कंसीडरेशन इन दिस ऑफिस, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट व्हेनेवर डीआरएम सीडब्ल्यू इज कंपिटेंट टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑन कंपोजिशन ग्राउंड दे मे रिलैक्स ग्रांट रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक तो ये आता है कि अपर एज रिलैक्सेशन किस मामले में आएगा, तो मैंने जैसा आपको बताया कि एज क्राइटेरिया जनरली आपने देखा होगा कि कोई 40 साल का भी आ रहा है, 50 साल का भी आ रहा है, नौकरी ले रहा तो कैसे आ रहा है। तो मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हमारे को एज कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की, वीडो की, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की हम पोस्ट भर रहे हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जनरली 25 साल, 18 साल, सॉरी 25 साल, किसी में 30, किसी में 33 मैक्सिमम होती है, उसके बाद हम ले नहीं पाएंगे। तो वो अपर एज जो भी लिमिट है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर 25 साल है तो 25 साल, 30 है 30 या 33 है, तो उसके ऊपर हम ले नहीं पाएंगे। तो उसके लिए फिर आपको एज रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा जो कंपनी अथॉरिटी है। कंपनी अथॉरिटी हमारे यहाँ पे दो ही होती है, डीआरएम या जीएम होते हैं और सीडब्ल्यूएम भी होते हैं प्रोडक्शन यूनिट में, तो अपर एज लिमिट जो फ्रीली रिलैक्स कर सकते हैं। फिर उसमें ये नहीं बताया कि आपको 2-5 साल, आप फ्रीली कब तक भी ले सकते हो, कितनी भी उसकी एज हो, वो उसका उसको बोलते हैं फ्रीली रिलैक्स। उसका इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि भी फ्रीली का मतलब कितना हो गया, 60 नहीं होनी चाहिए उसकी, फिर 60 से ऊपर हो गया तो हम ले नहीं पाएंगे, तो अप टू किसी भी एज तक हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो डीआरएम को पहले तो पावर दे रखा था 90 में कि भाई आप ग्रुप डी के मामले में यानी लेवल 1 में तो आप फ्रीली रिलैक्स कर सकते हो। अब ग्रुप सी का इशू था तो ग्रुप सी में भी इस लेटर से रेलवे बोर्ड ने बोल दिया है कि डीआरएम और सीडब्ल्यूएम जो है फ्रीली रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं मामलों में जिन मामलों में उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का पावर है, कंपिटेंसी है उनको, यानी कि डीआरएम जो होता है जनरली लेवल 1 से लेवल 6 तक देते हैं, और लेवल 6 में भी जिसमें डीआर कोटा 25% से ज्यादा हो और डीआर कोटा 25% से कम है, तो चूंकि उनकी कंपिटेंसी में नहीं है तो
तो वो एज रिलैक्सेशन भी नहीं दे पाएंगे। तो जो अपॉइंटमेंट DRM सीडर अपने लेवल पर दे सकते हैं उन मामलों में ही वो एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अगर मामला अगर GM के पास जाए 46 का हो या DR कोटा 25% कम है, तो चूंकि कंपिटेंट अथॉरिटी जो है अपॉइंटमेंट देने की वो GM है, तो एज रिलैक्सेशन भी GM सर देंगे। अगला हमारा है लेटर 2018 का RB 134/18, अपॉइंटमेंट एंड कंपोजिशन ग्राउंड ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन डिवीजन वर्कशॉप टू अदर। कई लोगों को एक डाउट रहता है, जो खासतौर से आउटसाइड है, रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, या विडो जो होती है, कई बार जैसे रेलवे एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, विडो को रेलवे के रूल नहीं मालूम होते। तो जनरली जो रेलवे एम्प्लॉय जैसे हैं, अहमदाबाद की बात करूँ, कई लोग बिहार से हैं, कई लोग हमारे सारे साउथ से हैं, तो एम्प्लॉय जब तक है यहाँ रहते हैं, लेकिन डेथ के बाद सोचते हैं फैमिली की हम अपने नेटिव चले जाएं, तो उसमें कईयों मालूम नहीं है कि क्या जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो रेलवे में प्रोविजन है कंपोजिशन अपॉइंटमेंट आइदर जहां तो वो कर्मचारी काम कर रहा है जिस डिवीजन में वो वहां ले लें, या अपने नेटिव में ले लें। ये प्रोविजन रेलवे में CGA के अंदर दिया हुआ है। रेलवे ने पहले जो पुराना नियम था, जैसे इंटर रेलवे ट्रांसफर की एप्लीकेशन या म्यूचुअल ट्रांसफर की एप्लीकेशन हेडक्वार्टर से थ्रू रूट होती थी, सिमिलरली CGA की केसेस भी हेडक्वार्टर से रूट होते थे। तो इस लेटर में रेलवे बोर्ड ने अभी जैसे इंटर रेलवे म्यूचुअल में भी रेलवे बोर्ड ने प्रोविजन दे दिया है कि डायरेक्टली आप डिवीजन टू जिस भी रेलवे में है भेजना है वहाँ डायरेक्ट डिवीजन टू डिवीजन डील करेंगे। उसी प्रकार इसमें भी कहा गया है, द मैटर हैज बीन एग्जामिन एंड इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड फॉर स्मूथ फाइनलाइजेशन ऑफ कंपोजिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट। द DRM शेड्यूल में ट्रांसफर सच केस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट टू डिवीजन वर्कशॉप फ्रॉम देयर डिवीजन वर्कशॉप डायरेक्टली विदाउट रूटिंग देम थ्रू हेडक्वार्टर ऑफ जोनल रेलवे वेयर द कैंडिडेट डिजायर टू बी अपॉइंटेड। मतलब जहाँ कैंडिडेट लेना चाहता है नौकरी, वो डायरेक्ट उस डिवीजन या वर्कशॉप को भेज सकते हैं विदाउट हेडक्वार्टर को भेजे। इट इज ऑल्सो एडवाइज दैट एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंपोजिशन अपॉइंटमेंट मे बी एग्जामिन एट पेरेंट डिवीजन वर्कशॉप टू एक्स रेलवे एम्प्लॉई एंड ऑल अदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस टू बी ड्यूली कम्प्लीटेड एट द एक्सेप्टिंग बोर्ड। इसमें लेकिन बताया गया है कि कंपोजिशन अपॉइंटमेंट देना है नहीं देना है, एडमिसिबिलिटी वो तो जहाँ एम्प्लॉय काम करता है वो डिसाइड करेगा, बाकी अदर फॉर्मेलिटीज ऑल अदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस टू बी ड्यूली कम्प्लीट इन ऑल एट द एक्सेप्टिंग एंड। बाकी जो प्रोसेस है वो सामने वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है डिवीजन या वर्कशॉप है वो करेगा। अपॉइंटमेंट ऑन कंपोजिशन ग्राउंड सुटेबिलिटी टेस्ट रिगार्डिंग, इसमें एक तो मैंने बता दिया कि आपको एग्जाम देना है, ये आपको बता दूं, मैंने शायद नहीं बताया कि कोई भी कर्मचारी है वो अगर ग्रुप सी के लिए एलिजिबल है, यानी 10वीं पास है, आजकल मिनिमम जो कंडीशन 10वीं पास, तो वो ग्रुप सी में अपॉइंटमेंट कर सकता है। अगर तो उसके लिए एक सुटेबिलिटी टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, अगर उसको फेल करेगा तो वो ग्रुप डी में उसको मिलेगी नौकरी, और अगर पास करता है फिर ग्रुप सी में नौकरी मिलेगी, लेकिन अप टू 2800 तक, लेवल 2 से लेके लेवल यानी 1900 से लेके 2800 तक, लेवल 5 तक, और लेवल 6 और 7 के लिए फिर एक दूसरा टेस्ट होता है, वो उसको पास करेगा तो फिर लेवल 42 या 46 में दिया जाता है उसको। तो जो 10th पास है, जो सुटेबल टेस्ट होती है, कई बार ऐसा होता है कि इग्नोरेंस की वजह से पास नहीं कर पाता। तो मैं एक तो पहले बता दूं, मैं आपको जो आउटसाइडर्स हैं, जो टेस्ट होता है उसका एक क्वेश्चन पेपर होता है, 100 नंबर क्वेश्चन पेपर होता है, किस तरह का पेपर होता है उसके ऊपर मैंने एक बुक बनाई हुई है, वो बुक चाहे तो मैं लिंक में डाल दूंगा। वो बुक से बच्चे कम से कम, उसमें 25 पेपर हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर है, ये SSC JEE JEE के लिए किस तरह का पेपर होता है, IDA के लिए वो मैंने एक पेपर बुक बनाई हुई है, कम से कम 25 क्वेश्चन पेपर होंगे, यानी कम से ढाई ढाई 1000 क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं प्रिवेशन, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। मेरा बुक बनाने का ये मतलब था, जैसे मैं अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो, आप रिव्यू एग्जाम दें, पास करें। उसी प्रकार बच्चे जो होते हैं, कई बार मेरे पास आते थे, सर किस तरह का पेपर आता है, गाइडेंस कमी थी, तो मैंने उनके लिए बुक बनाई थी ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लें। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार जैसे मेरे बुक नहीं मिली, कईयों को गाइडेंस नहीं मिलता, और बच्चे जो है ये विडो है, या बच्चे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते, तो वो टेंशन में आया था कि क्या पास नहीं किया, तो क्या, तो उसके लिए सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है कि टोटल उसको हम जो जैसे नॉर्मली सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं, तो हम कोई भी एग्जाम जो कंपोजिशन ग्राउंड का एग्जाम है वो कितने एग्जाम टेस्ट में पास, कितने अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं, इसके लिए नियम बनाया हुआ है। इसमें सीधा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पैरा 5 पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें कहा गया है, इट इज ऑल्सो रिटेड द सेकेंड चांस टू वार्ड विडो शुड बी गिवन विद द अप्रूवल
ऑफ कंप्लेंट अथॉरिटी दैट इज डीआरएम एचओडी सीडब्ल्यूएम एट एज द केस में भी हैवर थर्ड चांस टू वार्ड विडो वाइफ एंड फोर्थ चांस टू विडो वाइफ विल रिक्वायर पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम। तो मैं बता दूं कि कोई कर्मचारी की वाइफ या बच्चा है वो एग्जाम दे रहा स्टूडेंट तो फेल हो जाता है तो घबराए नहीं। टोटल कितने चांस मिलते हैं उसके बारे में, पहला अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर फेल हो जाता है तो सेकंड अटेम्प्ट भी उसको मिलेगा, वो डिसाइड डिवीजन लेवल पे हो जाएगा, डिवीजन या प्रोडक्शन यूनिट है तो शेड्यूल में डिसाइड कर लेंगे। तो दो चांस आप डिवीजन या लोकल लेवल पे दे सकते हैं। किसी वजह से आप दो चांस में पास नहीं कर पाए तो थर्ड चांस के लिए जीएम का परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको कि जो वार्ड है एम्प्लॉय उसको रेलवे बोर्ड ने सिर्फ तीन चांस दिए, कोई कम बच्चा जो है कि भाई आप तीन चांस में पास कर लें और तीसरा चांस के लिए जीएम का अप्रूवल लगेगा, लेकिन जो वाइफ है कर्मचारी की या विडो जो बोलेंगे उसको बोर्ड ने चार चांस का प्रोविजन दिया, तो चौथा चांस जो है वो भी जीएम देंगे। तो नॉर्मली पहले दो चांस होंगे वो डिविजन लेवल पे डीआरएम या सीडब्ल्यूएम करेंगे देंगे, और थर्ड और फोर्थ चांस में वार्ड को तो थर्ड ही मिलेगा वो जीएम देंगे, और विडो को फोर्थ भी मिलेगा। अगर विडो तीन बार फेल हो जाती है तो उसको एक चांस और मिलेगा वो भी, लेकिन जीएम का प्रोसेस मिलेगा। इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगला हमारा है आरबी नंबर वन, आरबी 51/18। अपॉइंटमेंट और कंपोजिशन ग्राउंड विडो वाइफ नॉट हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल। इसमें बता दूं कि रेलवे में नियम आएगा आगे में शायद लेटर है वो, कि इसमें अब रेलवे बोर्ड ने लेवल वन यानी 1800 जो अर्स्टवाइल ग्रुप डी था उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th कर दिया है। तो उसमें एक पूछा था किसी ने कि भाई विडो जो है कंपोजिशन में उसके लिए भी क्या 10th पास जरूरी है, तो उसमें रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाल दिया कि विडो के मामले में द मैटर वॉज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉर क्वाइट सम टाइम, इट इज नाउ बीन डिसाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए विडो वाइफ नॉट हैविंग रिक्विजिट मिनिमम क्वालिफिकेशन शी विल बी प्लेस्ड इन लेवल वन ऑफ पे मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC रिपोर्ट विदाउट इंसिस्टिंग ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्म्स प्रोवाइडेड द पेंडिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट विच शी इज बीइंग अपॉइंटेड कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सम जॉब ट्रेनिंग। इसमें कहा गया है कि जो विडो होगी या वाइफ होगी एक्स एम्प्लॉय की उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए इंसिस्ट नहीं करना, वो उसके पास क्वालिफिकेशन हो या नहीं हो उसको दिया जा सकता है सब्जेक्ट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर इस बात से संतुष्ट है कि जिस पोस्ट पे काम कर रही है जिस पोस्ट पे उसको दिया रेलवे में किस कुछ पोस्ट हैं जिस पे उतना एजुकेशन की जरूरत नहीं, तो उन पोस्टों में वो आफ्टर जॉब ट्रेनिंग उसको काम कर सकती है। अगर वो संतुष्ट है तो फिर लेवल वन में भी दिया जा सकता है उसमें विदाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हुए भी। अब ये मैंने बताया जैसे ये 2017 में मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बताया लेवल वन में, तो मैं बता दूं रेलवे बोर्ड ने 2017 में एक लेटर निकाला था जिसमें क्या कहा गया था कि आईटीआई भी होना साथ में जरूरी है। उसके बाद में फिर क्लेरिफिकेशन निकाला कि मैटर हैज बीन रिव्यूड ओइंग टू डिफिकल्टी बीइंग फेस्ड इन अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ कंपोजिशन ग्राउंड, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन सच केसेस हु हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड बट इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन दैट इज नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई एनसीबीटी और आईटीआई और कोर्स टेट डिप्लोमा द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट विद सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एसएमटी डिपार्टमेंट एंड कमर्शियल कैटरिंग लेवल वन में आल्सो बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट प्रोवाइडिंग देम ऑन जॉब ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ। इसमें कहा गया कि कोई कर्मचारी का बच्चा है कैंडिडेट है वो उसने 10th पास किया है लेकिन एडिशनल क्वालिफिकेशन ये नहीं है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या आईटीआई कोर्स है या अदर क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास तो भी उसको नौकरी दिया जा सकता है। यानी अभी सिर्फ 10th पास है कैंडिडेट तो उसको भी हम लेवल वन में जॉब दे सकते हैं। ये रेलवे बोर्ड ने 2017 में इसको रेलवे बोर्ड ने जो है हमको बता दिया है। तो अब कोई भी कर्मचारी का बच्चा सिर्फ 10 ही पास है तो हम उसको नौकरी दे सकते हैं ग्रुप सी में। एक और डाउट किसी ने क्या था कि कंपोजिशन अपॉइंटमेंट जो स्टेशन मास्टर पहले लेवल 5 में जॉब मिलता था 2800 ग्रेड पे में, लेकिन 6 PC में रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट थी 4200 की उसको अपग्रेड कर दिया है और मिनिमम 4200 कर दिया है। तो अब 4200 के लिए पूछा गया कि क्राइटेरिया पुराना चलेगा कि जो अभी 4200 के लिए जो क्राइटेरिया है तो बोर्ड ने इसमें कहा गया है कि इट इज क्लेरिफाइड द सेम क्राइटेरिया प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एएसएम एज डन इन सिमिलरली प्लेस क्राइटेरिया ऑफ ग्रेड 42। यानी कि जैसे मैंने आपको इनिशियल बता भी दिया है कि 42 और 46 के लिए सुटेबिलिटी टेस्ट दो बार होते हैं, फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी
बोलेंगे, और फिर दूसरा एक होता है जो 42 के लिए एक टेस्ट दोबारा लेते जाता है। तो ये बोर्ड ने बोला कि सेम प्रोसीजर स्टेशन मास्टर के अंदर भी देना पड़ेगा अगर देना है तो। एक क्लियरेशन रेलवे बोर्ड ने 16 में निकाला था, किसी ने कुछ क्वेरी रेस किया था किसी रेलवे ने, पर्टिकुलर रेलवे ने, कि सुसाइड केस में कंपल्सरी रिपोर्ट देना है कि नहीं देना है। उसमें बोर्ड ने बोला है, इट इज क्लेरिफाइड दैट डेथ बाय सुसाइड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय मे बी ट्रीटेड एट पार विद रेलवे सर्वेंट डाइंग इन हार्नेस फॉर द पर्पस ऑफ सच। सुसाइड के केस में बोर्ड ने बोला है कि जो नॉर्मल केस में हम जो ट्रीट करते हैं सेम वैसे की वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑन कंपल्शन ग्राउंड क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग, ये बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला था। रेलवे बोर्ड का एक पॉलिसी है 102/2012, एक मैं थोड़ा सा बता दूं इसके ऊपर, ब्रीफ कर दूं मैं आपको इस पॉलिसी का क्या है कहानी है। रेलवे बोर्ड में पहले 2011 से पहले बीच में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th कर दिया था, और कहा गया 10th नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। बाद में रेलवे बोर्ड ने 2011 में प्रोविजन किया था कि ठीक है आप 10th नहीं है तो एज ए ट्रेनी दे सकते हैं बच्चे को, जो जिसका बच्चा 10वीं पास नहीं है, और ट्रेनी जो रहेगा वो उसकी क्या कंडीशन है वो आगे आएगी। तो जिसका बच्चा 10वीं पास नहीं था उसको एज ए ट्रेनी अपॉइंट किया था रेलवे में। और एक और बता दूं आपको कि रेलवे में जो आरआरबी से जो कैंडिडेट्स आते हैं बच्चे, जो जैसे ग्रेड 3 में आते हैं, तो उसको उनको भी पहले अप्रेंटिस वर्ड यूज होता था, अप्रेंटिस ट्रेनिंग वर्ड करते थे, फिर रेलवे बोर्ड ने उसका वर्डिंग चेंज कर दिया, अप्रेंटिस हटा के उसको ट्रेनिंग वर्ड डाल दिया था। तो बाद में जो पॉलिसी आई है रिसेंटली जो सिलेक्शन हुआ बाद में 2011-10 के बाद, तो उनका भी जो शब्द जो लगता था, डेजिनेशन जो लगता था, ट्रेनिंग लगता था पहले अप्रेंटिस की बात, उसको हटा के ट्रेनिंग लगा दिया। तो ट्रेनिंग वो भी उनके आगे भी ट्रेनिंग लगता था जो आरआरबी से आते थे और अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करते थे 3 साल 6 महीना 1 साल जो भी होता था। और ये जो हमारे रेलवे बच्चे जो कंपल्शन अपॉइंटमेंट है उनके आगे भी ट्रेनिंग वर्ड यूज होता था, दोनों ट्रेनिंग ट्रेनिंग हो गए। तो एक इशू आता था, रेलवे बोर्ड ने 2012 में सर्कुलर निकाला था 2102/2012, वो अभी आएगा मैं बताऊंगा उसमें। उसमें सर्टेन बेनिफिट्स देने की बात हुई है, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट माना गया, और लगभग लगभग चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और एचआरए वगैरह इंक्रीमेंट सारे बेनिफिट देने की बात की है। तो किसी ने डाउट किया है कि ट्रेनी ये भी है तो वो भी है, तो क्या उनको भी सारे बेनिफिट दिए जाएंगे क्या? तो रेलवे बोर्ड ने मना कर दिया है कि भाई ये ट्रेनिंग अलग है सीजी वाले, और वो जो ट्रेनिंग है आरआरबी से जो ट्रेनिंग आते हैं उनकी तो सर्विस कंडीशन ऐसी है कि उनको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना जरूरी है। तो उसके लिए तो जो ट्रेनिंग है उनके लिए सिर्फ जो बेनिफिट है स्टाइपेंड प्लस डीए दो ही मिलेगा। तो आरआरबी से जो ट्रेनिंग आएंगे उस ट्रेनिंग को सिर्फ स्टाइपेंड प्लस डीए, और ये जो कंपल्सरी अपॉइंटमेंट है उनको जो बेनिफिट दिए जाएंगे वो 102/2012 में बताया गया, वो भी आगे आएगा। तो दोनों ये रेलवे बोर्ड ने इसमें क्लेरिफिकेशन किया कि दोनों अलग है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपल्सरी ग्राउंड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ एक्स रेलवे सर्वेंट, इसमें यही कहा गया है कि अनमेरिड डॉटर, अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल एम्प्लॉय के अगर एक्सपायर हो गया है, अगर कोई कर्मचारी है जनरली उसके वाइफ को राइट जैसे मैंने बताया था उसके बच्चे को देते हैं, लेकिन कोई कर्मचारी वो अनमेरिड है, वो या मेल भी हो सकता है फीमेल हो सकता है, तो उसके डिपेंडेंट को भी वो अगर डेथ हो गया या रिटायरिंग हो मेडिकल ग्राउंड है, तो उसके बच्चों को भी सॉरी उसकी डिपेंडेंट जो भी है उसके ऊपर, उसके लिए काफी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है डिपेंडेंसी प्रूफ करनी पड़ेगी। वो पास ले रहा है नहीं ले रहा, राशन कार्ड में नाम है, डिपेंडेंसी इसको प्रूफ करनी पड़ेगी। तो उस केस में प्रोविजन है कि जो बैचलर होंगे उनको भी उनके भी डिपेंडेंट को नौकरी देने का प्रोविजन है, ये इस लेटर में बताया गया है 2014 के लेटर में। ये अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपोशन ग्राउंड ऑफ डिपेंडेंट ऑफ मेडिकली अनफिट स्टाफ, इसमें कहा गया है कि इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट इन केस ऑफ मेडिकली डिक्लेयर्ड इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉय वेयर कंपोशन अपॉइंट इज अदरवाइज स्पेसिफाइड इट विल बी डिस्क्रिशन ऑफ कंसर्न मेडिकल डिक्लेयर्ड इनकैपेसिटेटेड रेलवे एम्प्लॉय टू रिक्वेस्ट फॉर जॉब आइदर स्पाउस वार्ड एज पर हिज चॉइस। मतलब डेथ वाले मामले में कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो वाइफ को पावर है जो उसकी विडो होगी वो किसको नौकरी दे, खुद नौकरी ले या अपने बच्चों को दे। लेकिन ऐसा भी क्लेरिफिकेशन लोगों ने बोर्ड से मांगा है कि कोई कर्मचारी है वो जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है और
मेडिकल इनकैपेसिटी हो गया या मेडिकल डिक्रेज हो गया, उसके मामले में कौन डिसाइड करेगा? तो उसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी है वो खुद डिसाइड करेगा कि नौकरी उसकी वाइफ को देना है या बच्चे को देना है। और इसमें एक बात और जुड़ा है, फर्दर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मेडिकली अनफिट एम्प्लॉय विदाउट मेकिंग क्लियर विशेष, द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कॉम्पिटिशन ग्राउंड वुड बी डेट ऑफ स्पाउस इज डन इन द केस ऑफ डेथ। ये एक मामला बना है कि मेडिकल डेथ के मामले में, जैसे मैं बता दिया है कि वाइफ डिसाइड करेगी, लेकिन मेडिकल इनकैपेसिटेट के मामले में फिट डिस्कशन पावर किसको, ये क्लेरिफिकेशन नहीं था अभी तक। इसमें बोर्ड ने क्लेरिफाई कर दिया है कि मेडिकल डिक्रेज के मामले में, चूंकि एम्प्लॉय खुद जिंदा है और एम्प्लॉय का ही राइट होना चाहिए, तो डिक्रेज और इनवैलिडेशन के मामले में जो है एम्प्लॉय खुद डिसाइड करेगा कि नौकरी वाइफ को दिया जाए या बच्चों को दिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्मचारी इनवैलिड हो गया है और या मेडिकल डिक्रेज हो गया है, जब तक, तो पहले तो आपको बता दूं उसको रेलवे से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, उसको मेडिकल ग्राउंड में, तो रिटायरमेंट का प्रोसेस होगा, रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट मेमो निकलेगा, फिर उस डेट को रिटायर होगा, फिर हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर जाएगी टीम सेटलमेंट प्रोसेस के लिए, कंपोजिशन अपॉइंटमेंट की फॉर्म भरने के लिए। इस दौरान अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है सपोज, जब तक कि वो फॉर्म भरे या अपना डिसीजन एडमिशन उसका ले पाए, तो ऐसे में कहा गया कि ऑफिस जो नॉर्मल रूल है उसकी वाइफ को ही पावर है कि वो डिसाइड करे किसको नौकरी देनी है लेनी है। अगला हमारा है आरबी 102/2012, जो मैंने आपको बताया था 102/2012, जिसमें ने मैंने कहा था कि रेलवे बोर्ड ने 2012 से पहले 2011 में अलाउ किया था कि जो 10th पास नहीं है उनको नौकरी देने के लिए। तो उसमें 2012 में जो ट्रेनिंग अपॉइंट होते हैं कंपोशन ग्राउंड, ये जो बेनिफिट बता दूं इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट एंड कंपोशन ग्राउंड क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग, तो ये जो बेनिफिट है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ट्रेनिंग में भर्ती हुए, यानी जिसकी 8th पास 10th पास नहीं थे, उनके लिए लागू होगा जो कंपोशन ग्राउंड पे होंगे। इसमें ये कहा गया है कि A person appointed as trainee enjoys the status of government servant from the initial day and will be allowed all allowances and benefit allowed to government। इसमें कहा गया जो कर्मचारी, जो बच्चा होगा जो ट्रेनिंग में आएगा, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह का स्टेटस को एंजॉय करेगा और सारे उसको अलाउंसेस और बेनिफिट दिए जाएंगे। पर्सन अपॉइंटेड एज ट्रेनी ऑन कंपोशन ग्राउंड हैज टू एक्वायर मिनिमम क्वालिफिकेशन इन 5 ईयर्स, यानी जो ट्रेनिंग में आएगा उसको 5 साल के अंदर जो है उसको 10वीं पास करनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी है 10वीं है या रेलवे बोर्ड टाइम टू टाइम जो डिसाइड करेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो उसको करनी है। प्रोबेशन पीरियड ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड टेन्योर ऑन कंपोशन ग्राउंड विल बिगन ओनली फ्रॉम द डेट ही शी एक्वायर्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सच पर्सन विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट अगेंस्ट ही शी बिलोंग्स अपॉइंटेड। ये मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, ये कहीं को समझ में नहीं आया होगा कि प्रोबेशन पीरियड, लोग सोचते ट्रेनिंग होते ही हो जाना चाहिए, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, तो बता दूं प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो रेलवे कर्मचारी जो नौकरी पे लगते हैं आरआरबी से, जो बंदा आया किसी भी पोस्ट के लिए, तो जब पोस्ट ज्वाइन करता है आरआरबी का फ्रेश बंदा, तो उसका प्रोबेशन पीरियड चालू होता है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी कर्मचारी, कोई भी कैंडिडेट रेलवे में जब आता है किसी पोस्ट के लिए, तो नॉर्मली जब तक कि किसी का अलग से कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया, उसका नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड 2 साल का था इनिशियल अपॉइंटमेंट के टाइम पे। और जो फर्दर प्रमोशन लेता है रेलवे में, पहले किसी जमाने में 2 साल था, फिर चाहे 2000 या 2002 में उसको रेलवे बोर्ड ने 1 साल कर दिया। तो अभी ये नियम है कि फ्रेश जो बंदा आरआरबी से आ रहा है इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड में, तो उसका 2 साल प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद जो जॉब करेगा नौकरी में प्रमोशन लेगा, प्रमोशन के बाद पटली उस ग्रेड में प्रोबेशन पीरियड वो 1 साल का हो जाएगा, यानी 12 महीने का हो जाएगा। तो चूंकि ये कर्मचारी को ट्रेनी तो बना दिया, गवर्नमेंट सर्वेंट का स्टेटस दे दिया, लेकिन उसने 10th पास नहीं किया, तो जब 10th पास वो बंदा करेगा, यानी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्न करेगा, तब वो एक प्रकार से रेगुलर उसको करेंगे। तो जो डील करते हैं सबको मालूम होगा कि कोई भी कर्मचारी 10th जिसने नहीं किया, तो वो हम उसको एज ए ट्रेनी रखेंगे, जैसे 10th पास करेगा तो वो वहां से वो रेगुलर होगा, फिर वहां से ही उसका प्रोबेशन पीरियड चालू होगा। और जैसे मैंने अभी बताया आपका, अगर अदरवाइज प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो उसका प्रोबेशन पीरियड जनरली 2 साल का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलराइजेशन। ये एक थोड़ा सा मैंने का ब्रीफ कर दूं आपको, शायद जानकारी इतना डीप में कोई सोचेगा नहीं। 4 नंबर, एक ट्रेनी अपॉइंटेड कंपोशन ग्राउंड इज एलिजिबल
एंटाइटल टू ऑल काइंड्स ऑफ लीव्स। जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसको जो छुट्टियां मिलती है जितनी तरह सारी तरह की छुट्टियां, लीव रूल 5 चैप्टर 5 में जो लीव रूल में जो छुट्टियां मिलती है सारी छुट्टियां ट्रेनी को भी मिलेगी। पर्सन अपॉइंटेड एज ट्रेनी शैल बी अलाउड चिल्ड्रन एजुकेशन, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा जो नियम के अनुसार है। ट्रेनी अपॉइंटेड ट्रेनी एंड कंपोजिशन वुड नॉट बी एंटाइटल्ड पर्सन। ओवर टाइम अलाउंस का मना किया बोर्ड ने कि उस ट्रेनी को ओवर टाइम अलाउंस नहीं मिलेगा। इसमें एक डाउट आएगा कि सर ओवर टाइम अलाउंस नहीं मिलेगा, अगर उसने ओवर टाइम किया तो क्या? मैं आपको बता दूं हम किसी भी कर्मचारी को क्या देना है क्या मिलेगा ये रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। कंडीशन नहीं होती कि ये किया तो क्या है वो क्या, उसने ओवर टाइम किया हो नहीं किया हो उसको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी को नाइट ड्यूटी अलाउंस देने के लिए मना किया, जैसे हमको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है ऑफिसर्स को, हम नाइट रजिस्ट्रेशन करते हैं नाइट में पूरी नाइट काम किया तो भी नहीं मिलेगा। तो आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो इश्यू नहीं होता है, आपको अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा बोर्ड ने बताया। तो कोई अलाउंस देने के लिए मना किया है तो नहीं मिलेगा, मतलब उसकी सैलरी स्लिप में ओवर टाइम के खाते में अमाउंट नहीं आना चाहिए। लेवल 7 ये सीरियल नंबर 7 है। ट्रेनी हैज द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द इनिशियल डे एज सच डिपेंडेंट ऑफ पर्सन अपॉइंटेड कंपोजिशन ऑन एज ट्रेनी वुड बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन अपॉइंटमेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ। ये ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूँ कि कोई कंपोजिशन अपॉइंटमेंट में कोई ट्रेनी जो है के रूप में काम कर रहा है लेकिन किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है या अनफिट हो जाता है तो उसके भी डिपेंडेंट को प्रोविजन है नौकरी देने का। और इसमें कहा गया है कि इंक्रीमेंट मिलेगा। लेवल 8 में कहा गया है कि उस जमाने में -1 में आते थे, बाद में ये 6 PC में 1800 मिल 18,000 मिलने लगे इनको, तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा 0.8 बोलता है। 0.9 बोलता है उनको मेडिकल बेनिफिट भी मिलेंगे। तो ये है ट्रेनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। मैं बता दूं ट्रेनी जैसे मैंने बताया एक हमारा RRB से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया था उसको भी ट्रेनिंग बोलते थे, कंपोजिशन अपॉइंटमेंट वालों को भी ट्रेनिंग बोलते थे, और एक सीजी लार्जेस्ट सॉरी लार्जेस्ट के अंदर जो आते थे 2011 में स्कीम जो निकली थी लार्जेस्ट की उसमें भी ट्रेनिंग का प्रोविजन था जिसमें जो 10वीं पास नहीं करते थे उसको हम ट्रेनिंग देते थे। आजकल लार्जेस्ट स्कीम बंद होगी 2015 से। कई लोग मेरे पास आते हैं डाउट करते हैं और कई बार मैंने देखा अनजाने में जो लार्जेस्ट के सॉरी लार्जेस्ट के ट्रेनी हैं उस पर भी 5 साल का रूल लगाते हैं। ये वाला रूल यहाँ जो लिखा है 5 साल में एक बार करना है। मेरा जो इसमें इंटरप्रिटेशन है ये कि ये नियम CGA के वालों के लिए है। सारे इस लेटर में जितनी भी बेनिफिट और जो बातें कही हैं दैट इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर पर्सन हु इज अपॉइंटेड ऑन कंपोजिशन, उसके अलावा किसी और पे लागू नहीं होगा। तो लार्जेस्ट में जो कैंडिडेट है उसके लिए लार्जेस्ट के नियम लागू होंगे। लार्जेस्ट का नियम मेरे ख्याल से इसके बाद होगा 2011 का। लार्जेस्ट में अभी आएगा पीछे तो लार्जेस्ट का एम्प्लॉय के लिए मेरे हिसाब से तो कई 5 साल की लिमिट नहीं की है। उसमें ये कहा गया जब तक कि वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्न नहीं कर पाएगा तब तक वो ट्रेनिंग में ही रहेगा, उसके लिए मिनिमम 5 साल की कंडीशन नहीं है। तो वो चलता रहेगा ट्रेनिंग में, पास करेगा तो रेगुलर हो जाएगा उसमें। इसमें एक क्वेरी किया हुआ है कि स्टाफ नर्स जिसे 4600 में पावर GM को है और 4600 में देने के लिए जो पॉलिसी थी वो थी कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। तो स्टाफ नर्स के लिए पूछा गया कि स्टाफ नर्स के लिए क्या है, तो उन्होंने बोला कि स्टाफ नर्स में भी वो तो सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए है, स्टाफ नर्स में भी जो है वो फर्स्ट क्लास जो डिग्री का जो प्रोविजन है वो रहेगा उसमें, ऐसा क्लियरिफाई किया हुआ है। ये एक लेटर ने 2017/2011 निकाला है, उसमें काफी सारी बातें मैं बता चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था कि CGA के अंदर क्या हायर शिक्षा मिलेगा हायर स्टेज में, नॉर्मली स्पोर्ट्स कोटा वगैरह मिलता है इसमें भी प्रोविजन है, जनरली मैंने देखा तो नहीं आज तक कभी देते हुए। तो रेयर केस में ये पावर पहले बोर्ड को थी बाद में जनरल मैनेज को पावर डिलीट कर दिया है 2011। ये लेटर से 2011 से पहले रेलवे बोर्ड को पावर थी, 2011 में इसको रेलवे बोर्ड ने GM को डिलीट कर दिया है कि वो जनरल मैनेजर एट देयर पर्सनल लेवल ओनली विद द प्रायर पर्सनल कॉन्फ्रेंस ऑफ FNCO कंसर्न इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस व्हाइल एग्रीइंग टू फिक्सेशन ऑफ इनिशियल पे हायर स्टेज देन दैट नॉर्मली एडमिसिबल इट मस्ट बी इंश्योर दैट वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट फॉर सैनिटी। यानी हायर पे फिक्सेशन दिया जा सकता है, वैलिड और स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होना चाहिए, फाइनल
कंग्रेशन एफएनसीओ पर्सनली करेंगे, इसमें डेलीगेट नहीं किया जाएगा, तो किया जा सकता है, एक प्रोविजन है रेल में सीजीए के अंतर्गत। ये जो है वही चीज हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। एक और इश्यू सीजीए के अंदर आता है कि सीजीए में कई बार हमारे जो बच्चे होते हैं वो 12th पास करते हैं, या जो डिग्री होती है उनके पास, वो रेलवे में जो जॉब के लिए जनरली फिट नहीं हो पाती। जैसे रेलवे में जो मैक्सिमम आजकल आर्टिजन कैटेगरी काफी सारी है, और कई बच्चों के पास टेक्निकल डिग्रियां नहीं होती, और कईयों के पास होती है, दोनों अलग अलग कंडीशन है। तो उसके अंदर रेलवे में इनिशियल जो आर्टिजन कैटेगरी हम देते हैं उसको, तो उसको ट्रेनिंग कितना टाइम करना है उसके लिए एक नियम है। तो मैं बता दूं आपको, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अपनी ट्रेन इन रेलवे स्टेबलिशमेंट, उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग भी लगा सकते हैं उसको। और कोर्स कंप्लीट एक्ट अपनी ट्रेन इन नॉन रेलवे स्टेबलिशमेंट, बाहर किसी कंपनी में किया है तो उसको 6 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। डिप्लोमा होल्डर्स को 6 महीना, आईटीआई पास कैंडिडेट्स को 6 महीना, मेट्रिकुलेट है 10th पास है तो उसको 3 साल की ट्रेनिंग होगी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डिग्री होल्डर को इन रिलेवेंट फील्ड हो तो 6 महीना। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन और निकाला हुआ है कि द कंपोजिशन कैन अपॉइंट यू होल्डिंग डिग्री डिप्लोमा आईटीआई क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट रेलवे ट्रेड, ही शी गेट अपॉइंटमेंट इन स्किल आर्टिजन इन द ट्रेड ही इन विच ही इज हैज एक्वायर्ड हिज डिग्री डिप्लोमा आईटीआई, दे विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी के बच्चा जो है कैंडिडेट, अगर उसको रेलवे में स्किल आर्टिजन में दिया हुआ है, स्किल आर्टिजन मतलब बता दूं कारपेंटर मैसन और सभी डिपार्टमेंट में है स्किल आर्टिजन, जैसे एसएनटी में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, ईएलएफ बोलते हैं ग्रेड 1, एसएनटी में ईएसएम वगैरह बोलते हैं, एमएसएम बोलते थे, सभी में जो आर्टिजन ग्रेड 3 स्पेशल 1900 जीपी का होता है उसमें अगर दिया जाता है, तो अगर उस कैंडिडेट के पास उस जिस कैटेगरी में जिस डिपार्टमेंट में दिया गया है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का में दिया हुआ है, तो उस कर्मचारी उस कैंडिडेट के पास डिग्री जो है डिप्लोमा उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही है, यानी जिसमें जॉब दिया गया है उसी जॉब जिस डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट का उसने डिग्री किया हुआ है, कंसर्न डिपार्टमेंट का डिग्री डिप्लोमा आईटीआई है, तो उसको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पास डिग्री डिप्लोमा आईटीआई तो है तो सही, लेकिन सपोज उसने इलेक्ट्रिकल में किया है, जॉब उसको असेंबली में दे दिया या इंजीनियरिंग में दे दिया सिविल इंजीनियरिंग में, तो ऑब्वियसली वो आईटीआई डिप्लोमा काम आएगा नहीं, तो ऐसे केस में उसको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये कहा गया है इसमें। 23/2/2010 का सर्कुलर है अपॉइंटमेंट कमीशन ग्राउंड इन केस ऑफ मेडिकली इनकैपेसिटेटेड स्टाफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ये सीजीए के अलावा भी काफी काम आएगा, इसके लिए मैं डाला। रेलवे बोर्ड ने डिसीजन दिया है 2010 का, काफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये डिसीजन दिया है पर्सुएंट टू डिस्कशन इन रेस्पेक्ट ऑफ आइटम नंबर 22/9 ऑफ डीसी जेसीएम मीटिंग हेल्ड ऑन अगस्त 2009। ये यूनियन की कोई मीटिंग हुई थी, कॉपी इसमें आइटम लिया हुआ है, और इसमें ये कहा गया था कि कोई कर्मचारी है वो टोटली इनकैपेसिटेट हो गया है, यानी टोटल इनवैलिड हो गया है, मतलब अक्षम, पूर्णतः अक्षम हो गया, यानी वो बेड रिडन टाइप का मान ले सकते हैं, और फर्दर किसी भी कैटेगरी मेडिकल क्लास में फिट नहीं है, और रेलवे में किसी पोस्ट के लिए फिट नहीं है, और अगर उसकी 20 साल की सर्विस नहीं हो तो क्या करना है। हमारे रेलवे में जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है उसके लिए मिनिमम 20 साल सर्विस होना जरूरी है, उसके बिना हम वॉलंटरी लेते हैं। मैंने देखा कई डिविजन में जो है इस तरह के मामले में भी मैंने देखा है कि उसको सुपर न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, इवन इफ एम्प्लॉय लेना चाहे रिटायरमेंट, ऑप्ट करता है कि मुझे रिटायरमेंट दे दो, तो मना करते हैं कि नहीं, आपको 20 साल तो करने ही पड़ेंगे, हमारे वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम में 20 साल पहले। तो मेरा इसमें जस्ट इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ व्यू, कि बोर्ड ने इसके ऊपर लेटर निकाला था, यूनियन ने जो आइटम लिया था इसमें कि 20 साल से कम सर्विस है तो नौकरी रिटायरमेंट देने की बात में, तो बोर्ड ने इसमें बोला है कि दो 18/1/2000 का रिटेट क्या है, विच स्टिपुलेट दैट इन केस वेयर एम्प्लॉय इज टोटली इनकैपेसिटेटेड एंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू कंटिन्यू इन एनी पोस्ट बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन ही मे बी अलाउड टू ऑप्ट रिटायरमेंट, इन सच केसेस रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट कंपोजिशन अकाउंट टू एन एलिजिबल वार्ड मे बी कंसीडर्ड, सच इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉय इज गवर्न बाय द रेलवे सर्विस पेंशन रूल एंड विल बी एलिजिबल पेंशन बेनिफिट एज एडमिसिबल अंडर दोस रूल्स।
इस लेटर का जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि 20 साल से कम सर्विस हो तो भी उसको रिटायरमेंट दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट की स्कीम हमारे रेलवे में, रिटायरमेंट की कई स्कीम चलती है। एक तो स्कीम है पेंशन रोल में जाएंगे कि 30 साल आपकी क्वालिफिकेशन सही होगी, आप सीधा रिटायरमेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो 30 ईयर्स की अलग स्कीम है। एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें 20 साल सर्विस हो जाती है। एक लार्जेस्ट की स्कीम आई थी, एक स्पेशल वॉलेंट्री स्कीम बीच में आई थी जो भी शायद नहीं चल बंद है। तो अलग अलग स्कीम्स हैं रिटायरमेंट की, उसमें तो हमको उस पर्टिकुलर रिटायरमेंट की जो स्कीम है उस स्कीम के ही प्रोविजन देखने पड़ेंगे। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत तो उसको नहीं दिया जा सकता क्योंकि 20 साल में, लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक प्रोविजन दिया हुआ है लेटर के हिसाब से कि अगर कोई कर्मचारी है उसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट मेरे ख्याल से नहीं बोला जाएगा। मैं भी मेमो निकालता हूँ तो रिटायरमेंट ऑन ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन करता हूँ, वॉलेंट्री वर्ड नहीं आना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि वॉलेंट्री रिटायरमेंट नहीं है, रिटायरमेंट ऑफ किया उसने, रिटायरमेंट आप दे दो, रिटायरमेंट ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन सब्जेक्ट मैं करता हूँ उसमें जनरली। तो उसमें अगर उसकी लेस देन 20 ईयर्स है तो भी उसको बोर्ड ने बोला है कि आप रिटायरमेंट दे सकते हैं। अब आता है रिटायरमेंट देने के बाद भी उसको पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या कितना सर्विस मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम सर्विस कहीं प्रिस्क्राइब नहीं किया है मेरे हिसाब से, लेकिन जो बेनिफिट होगा उसको हमारे, जैसे मैंने एक पेंशन रूल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है तो उसमें बताया हुआ है कि आपको DCIG लेनी है तो कितना मिनिमम सर्विस होना चाहिए और बाकी जो बेनिफिट है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो अगर रिटायरमेंट तो वो ले सकता है, लेकिन जो बेनिफिट होगा पेंशन, मान लीजिए उसकी 10 साल सर्विस ही नहीं हो रही उसकी, तो पेंशन नहीं मिलेगा उसको। अगर वो 93 में गवर्न है तो पेंशन के लिए मिनिमम उसकी 10 साल सर्विस होनी चाहिए। तो वो रिटायरमेंट का ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें ओपन है, वो रिटायरमेंट ले सकता है। बेनिफिट जो मिलेंगे वो उस जो बेनिफिट की जो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल जिस हिसाब से करेगा उस हिसाब से वो बेनिफिट को मिलेंगे। ये जो नियम है मैंने इसमें डाला हुआ है काफी इम्पोर्टेंट है कि वेदर एम्प्लॉय कैन ऑप्ट फॉर रिटायरमेंट इवन इफ हैज नॉट कम्प्लीटेड 20 ईयर्स क्वालिफिकेशन, देन एज पर दिस लेटर इट क्लियरली स्पेल्स आउट दैट कि एम्प्लॉय इफ इज नॉट ए पोजिशन टू कंटिन्यू इन एनी पोस्ट बिकॉज ऑफ इज मेडिकल कंडीशन ही मे बी अलाउड टू ऑप्ट रिटायरमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर एज फार एज रिटायरमेंट ऑप्शन, ऑप्टिंग रिटायरमेंट इज कंसर्न। इफ एम्प्लॉय डज नॉट हैव मिनिमम 20 US क्वालिफिकेशन देन ही कैन ऑप्ट रिटायरमेंट इन माई व्यू एज पर माई ओपिनियन एज पर दिस लेटर, रेलवे लेटर विच इज इश्यूड इन द ईयर 2010। अब आएगा हमारा अपॉइंटमेंट कमीशन और चेंज ऑफ एलोटेड। एक और इश्यू इसमें आता है, अलग अलग इश्यूज में हमने डिस्कस किया कि कोई कर्मचारी के बच्चे को, किसी को भी हमने कंपोशन में नौकरी दे दी, तो कई बार नौकरी के मामले में कईयों की कुछ प्रेफरेंस होती है कि इस डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए, इस कैटेगरी में मिलना चाहिए, ये पोस्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो जो प्रेफरेंस में नहीं मिल पाता रेलवे अपने हिसाब से देती है। आजकल सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट वैकेंसी ज्यादा है तो वो भरने के ऊपर जो हमारे ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से सेफ्टी में देती है, तो कई लोग उन जॉब लेना नहीं चाहते, चेंज ऑफ कैटेगरी कराना चाहते हैं। तो उसमें रेलवे बोर्ड ने बुलाया है, तो मैटर हैज बीन फर्दर एग्जामिन इन द बोर्ड ऑफिस एंड इट इज क्लेरिफाइड दैट इन केस ऑफ कंपोशन इन ग्राउंड अपॉइंटमेंट कैटेगरी अलॉटेड टू कैंडिडेट शुड बी कंसिडर फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी चेंज ओनली बिफोर अ कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर अपॉइंटमेंट एंड गोज फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। वंस द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर अपॉइंटमेंट एंड गोज फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन देन चेंज ऑफ कैटेगरी शुड बी डन either on the account of medical unfitness or by an authority higher than one who has decided by the category। इसमें क्या है, नॉर्मली चेंज ऑफ कैटेगरी का मामला विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन करना है तो तभी कर सकते हैं जो जो कैंडिडेट ने जो है ऑफर ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया हो और मेडिकल पे नहीं गया हो, तब वाला मामला है। तो सेम अथॉरिटी कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट ने एक बार एक्सेप्ट करके मेडिकल करवा लिया हो तब जो है सेम अथॉरिटी जो है उसको कंसिडर नहीं कर सकती। हाँ, अगर मान लीजिए वो मेडिकल कराने गया हो, मेडिकल में फेल हो गया हो, मेडिकल में अनफिट हो गया हो, तब फिर सेम अथॉरिटी जो है वो उस पर विचार कर सकती है। और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, मेडिकल करवा लिया हो, तो ऐसे मामले में जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगी जिसने कि अप्रूव किया, जनरली अप्रूव CWM में DRM करते हैं, तो DRM नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट अथॉरिटी फिर हेडक्वार्टर जाएगा मामला। ग्रांट ऑफ कंपोशन अपॉइंटमेंट टू द वार्ड डिपेंडेंट ऑफ डिसीज मेडिकल अनफिट एम्प्लॉई। इसमें बताया गया द मैटर हैज बीन कंसीडर्ड बाय द बोर्ड, इट इज हैज बीन डिसाइड दैट इन केस ऑफ कैंडिडेट अपॉन कंपोशन ग्राउंड डाइज बिकम मेडिकली इनकैपेसिटेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर ही इज रेगुलरली अपॉइंटेड इन द रेलवे अनदर अपॉर्चुनिटी मे बी ग्रांटेड टू ओरिजिनल एक्स एम्प्लॉई। ये हमने ऑलरेडी बता दिया, वही चीज को रिपीट किया है
कि कोई ट्रेनिंग पे जा रहा बार उसकी एक्सीडेंट होता है तो क्या है, वो चीज रिपीट हुई इसमें। ये 2007 का एक और सर्कुलर है, अपॉइंटमेंट ऑन कंपोशन ग्राउंड ऑफ वार्ड स्पाउस ऑफ मेडिकल इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉय। इसमें कहा गया है कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द मिनिस्ट्री दैट देयर हैव बीन इंस्टेंस ऑफ रेलवे प्रोडक्शन वेयर एम्प्लॉय हु हैव बीन टोटली मेडिकल इनकैपेसिटेटेड हैव ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट, द प्रोविजन ऑफ कंसीडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट कंपोशन ग्राउंड टू वार्ड स्पाउस ऑफ सच एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग एक्सटेंडेड। इश्यू एक आया था विद रिगार्ड टू इट इज क्लेरिफाइड दैट स्पाउस वार्ड ऑफ सच एम्प्लॉयज मे कंटिन्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर, कि कर्मचारी के जो अगर मेडिकली टोटल मेडिकली इनवैलिड हो गया है तो उस टाइम पुरानी बात 2007 में, उस टाइम नौकरी नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे, कुछ इंटरप्रिटेशन का डाउट था, तो बोर्ड ने इसी में कहा गया कि नहीं, हमने रेलवे बोर्ड ने जो 18/1/2000 का लेटर निकाला है उसमें थर्ड पैराग्राफ साहब उनके मामले में विचार किया जाता है, उनको नौकरी देना, ये जस्ट क्लेरिफिकेशन है, ये अभी जरूरत है नहीं, हम दे रहे हैं। एक और इश्यू इसमें आता है एडोप्टेड सन, अगर किसी कर्मचारी है उसकी डेथ हो जाती है उसका बच्चा नहीं है और एडोप्टेड सन है, डॉटर है, उसको नौकरी देने के बारे में भी रेलवे बोर्ड ने बोला है कि इट हैज बीन डिसाइडेड मैटर हैज बीन कंसिडर्ड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एन एडोप्टेड सन एडोप्टेड डॉटर विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपोशन ग्राउंड। तो यानी रेलवे बोर्ड में, रेलवे के अंदर अनुकंपा के आधार पे जो भर्ती का मामला होता है उसके अंदर एडोप्टेड जो है गोद लिए हुए बच्चे जो है दंतक पुत्र पुत्री को भी कंपनसेशन अपॉइंटमेंट देने का प्रोविजन है। कंडीशन यही है कि देयर इज ए सेटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ एडोप्शन वैलिड लीगली, जो एडोप्शन हो रहा चाहिए वो लीगली वैलिड होना चाहिए, उसके लिए हम लीगल सेट से वेरीफाई करवाते हैं। द एडोप्शन इन लीगली रिकॉग्नाइज अंडर द पर्सनल लॉ गवर्निंग द रेलवे सर्वेंट, तो जो कर्मचारी का जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से भी लीगली एडोप्शन होना चाहिए। लीगल एडॉप्शन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड हैज बिकम वैलिड बिफोर द डेथ डेट ऑफ डेथ मेडिकल डिक्लेरेशन एंड मेडिकल इनकैपेसिटेशन। यानी जो एडॉप्शन होगा बच्चे का, वो कई बार एक केस मेरे पास आया था कि कर्मचारी मर गया है, उसकी वाइफ ने फिर बाद में मरने के बाद कुछ एडॉप्शन करवाया, फिर मांग रही है कि बच्चे को दे दो, तो कर्मचारी के मरने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडॉप्शन जो होना चाहिए वो कर्मचारी की जीते जी, अगर डेथ वाला मामला बनता है तो उसकी जीते जी होना चाहिए मरने से पहले, अगर मेडिकल डिक्लेरेशन मेडिकल इनवैलिड का मामला है तो वो भी उसकी मेडिकल डिक्लेरेशन या इनवैलिड होने से पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल इनवैलिड हो गए फिर आपने बच्चे गोद ले लिया फिर उसको नौकरी दे दिया, वो नहीं चलेगा। आपको मेडिकल डिक्लेरेशन या इनवैलिड होने से पहले बच्चे को गोद लेना पड़ेगा, तभी मामला बनेगा देने का। ये एक और नियम है 2006 में निकला, अपॉइंटमेंट ऑन कंपोशन ग्राउंड ऑफ वार्ड स्पाउस ऑफ मेडिकली डिक्लेयर्ड स्टाफ ऑन रेलवे, 2006 का सर्कुलर है। ये मैं आपको बता दूं, आपको इसमें बार बार 18/1/2000 का सर्कुलर की जिक्र किया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ पैरा 2 में भी, चाहे सब्जेक्ट में किया नहीं मालूम है। रेलवे बोर्ड ने 18/1/2001 का सर्कुलर निकाला था 18 जनवरी का, जिसमें अभी जो पहले हमने सर्कुलर बात की थी उसमें लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन किया, मना कर दिया था, रेलवे बोर्ड ने बोला था कि 18/1/2004 में जो टोटली मेडिकली इनकेपेसिटेटेड होते हैं यानी टोटली अक्षम के लिए 18/1/2000 का जो सर्कुलर है उसमें अलाउ किया था, लेकिन उसमें अभी शायद आएगा नीचे, उसमें पार्शियली मेडिकल डिक्लेयर जो होते हैं मेडिकल डिक्लेयर को जॉब देने के लिए मना कर दिया था। तो मैं बता दूं आपको, रेलवे बोर्ड ने सन 2000 में पार्शियली जो मेडिकल डिक्लेयर एम्प्लॉयज थे उनके लिए मना कर दिया था कि उनको नौकरी नहीं मिलेगा, वो नौकरी करना चाहे करें रेलवे में, या फिर मतलब उनके लिए सुपरनी पोस्ट रहेगी उस पोस्ट पर उनको काम करना पड़ेगा, या वो रिटायरमेंट लेना चाहे ले सकते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये 2000 में रेलवे बोर्ड ने बोला था। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने 2006 में ये लेटर निकाला जो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है जो आज तक चल रहा है, मेडिकली डिक्लेयर्स के मामले को आज भी इस लेटर से हम डील करते हैं डिवीजन में। मेडिकल डिक्लेयर्स में के मामले में क्या डील करना है वो बताया गया है इसमें। इसमें कहा गया है कि डिक्लेयर्स के जो मामले हैं उसमें बता दिया, अगर वो बंदा ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लेता है रिटायरमेंट, तो उसमें बताया कि द अपॉइंटमेंट विल बी गिवन ओनली इन द एलिजिबल ग्रुप डी कैटेगरीज। एलिजिबल वुड मींस द दैट इन केस ग्रुप डी रिक्रूटमेंट इज बैंड फॉर एनी पर्टिकुलर कैटेगरी द सेम वुड आल्सो अप्लाई फॉर कंपोशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट। यानी मेडिकली इनकैपेसिटेटेड या मेडिकली
इनवैलिड मामले जो होते हैं वो जस्ट लाइक डेथ चीट होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। लास्ट डे तक भी अगर डेथ होता है उसको मेडिकल इनवैलिड होता है तो ऐसे डेथ चीट करता है, सेम वैसे ही प्रोविजन है उसका, नौकरी मिलता है। डिक्रेज में ऐसा नहीं है, डिक्रेज में कहा गया है कि अगर मेडिकल डिक्रेज होता है तो कर्मचारी बच्चे को जो नौकरी दी जाएगी वो ग्रुप डी में दी जाएगी, आश्वास ग्रुप डी में, और वो भी एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब है कि जिस ग्रुप डी में अगर मान लीजिए कहीं बैन लगा हुआ है आरआरबी में तो वहां नहीं दी जाएगी, जहाँ ओपन है उसी में ही दी जाएगी, जो ग्रुप डी में देंगे पहले तो। दूसरा कहा सच एन अपॉइंटमेंट should only be given in case the employee who was declared partially decreased at the time when he have at least 5 years or more service. दूसरी कंडीशन ये है कि कर्मचारी जिस दिन मेडिकल डिक्रेज हुआ उस दिन 5 या उससे ज्यादा साल की सर्विस होनी चाहिए, यानी कर्मचारी जो है 55 साल से अधिक का नहीं है, 55 साल उसका टच नहीं होना चाहिए, 55 साल टच हो गया तो उसको नहीं मिलेगा, 5 साल ज्यादा सर्विस बाकी होगी तो अभी ही कंसिडर किया जाएगा और उसमें ग्रुप डी में ही बच्चे को नौकरी मिलेगी। ये दूसरी कंडीशन, दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तीसरा बोला सीएमडी ऑफ द रेलवे शुड कीप अ वॉच ओवर द ट्रेंड ऑफ डिक्रेजेशन सो दैट द प्रेजेंट फिगर डू नॉट गेट इन्फ्लेक्टेड। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी निकाल दिया रेलवे बोर्ड ने, इसका मतलब नहीं कि लोग आगे के जानबूझ के मेडिकल डिक्रेज होना चालू हो जाए, तो फिगर बढ़ नहीं जाए। जो नॉर्मल जो प्रोसेस है, जो एवरेज जो निकलता है, एवरेज फिगर मेडिकल से मेडिकल अथॉरिटी के पास होता है, जो फिगर चल रहा है उस फिगर में है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो सीएमडी उस पर वॉच रखेंगे, एक दो फिगर बढ़ तो नहीं गया लेटर निकलने के बाद। और ये भी कहा गया सीएमडी शुड आल्सो गेट 10% पार्शियली डिक्रेस केसेस री एग्जामिन बाय अनदर मेडिकल बोर्ड नॉट बिलोंगिंग टू डिविजन हॉस्पिटल व्हिच इनिशियली डिक्लेयर द इनफिट। ये भी कहा गया कि जो सीएमडी होंगे और इस तरह के मामले होंगे 10% जो होंगे मामलों को री एग्जामिन कराएंगे, वो भी कहाँ कराएंगे, उस डिविजन में नहीं जहाँ फिट किया, किसी और डिविजन में करवाएंगे, ये प्रोविजन बताया। तो मैं बता दूँ आपको ये 2006 का सर्कुलर है और ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, और इसमें 2000 में जो बंद कर दी थी स्कीम उसमें 2006 में ये स्टार्ट किया वापस, जो मेडिकल डिग्रीज बच्चों को नौकरी देने का होना। एक प्रोविजन टर्मिनेशन और सर्विस में मैं बता दूं, हम जब किसी को कंपोजिशन अपॉइंटमेंट देते हैं तो हम उसे एक अंडरटेकिंग लेंगे, कंपोजिशन अपॉइंटमेंट नौकरी देने का जो प्रोविजन है वो यही है कि वो विडो या उसके बच्चे भाई बहन है उनको केयर करेगा, किसी मामले में अगर कंप्लेंट आती है कि केयर नहीं करा तो ऐसे मामले में उसकी नौकरी को टर्मिनेट करने का भी प्रोविजन है, उसे हम एक अंडरटेकिंग लेंगे उस तरह, ठीक है। और इसमें एक रूल और भी है जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे मामले में जो टर्मिनेशन का पावर है वो जनरल लेवल में एडक्वाटर जीएम के पास पर्सनली जाएगा, कैसे जीएम साहब ही डिसाइड करेंगे टर्मिनेट करने का। जो मैं आपको 18/1/2001 की बात कर रहा था, तो ये 18/1/2000 का जो इम्पोर्टेंट लेटर है जिसमें ये लिखा हुआ है, देखिए पैरा 3 में भी रेफरेंस, पहले मैंने ऊपर बताया था पैरा 3 का रेफरेंस दिया था रेलवे बोर्ड ने, कि इसमें लिखा हुआ है कि मैटर हैज बीन रिव्यूड पर्सुएंट टू द डिमांड रेज्ड बाय द स्टाफ साइड इन द जेसी डीसी जेसीएम। It has now been decided that in case where employee is totally incapacitated and not in a position to continue in any post because of his medical condition, he may be allowed to opt retirement. In such cases, request for compulsion appointment, appointment compulsion gone to an agent one may be considered. 2018 बाद में जो क्लेम निकाला था तो बोर्ड ने ये बोला था कि हमने 18/1/2000 को निकाल क्लेम दे दिया है पैरा 3 में, तो यानी जो टोटल मेडिकल इनवैलिड या टोटल इनकैपेसिटेट होता है तो वहां नौकरी मिलने का प्रोविजन तो 18 में दिया। और लास्ट में ये पैरा यहाँ पर इन केस ऑफ मेडिकल रीजन दोज केसेस इन विच एम्प्लॉय बिकम्स मेडिकल अनफिट फॉर द पोस्ट ही एट प्रेजेंट बट इज फिट फॉर परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ एन अल्टरनेट सुटेबल पोस्ट इन लोअर मेडिकल कैटेगरी द रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेशन टू एलिजिबल विल नॉट बी एडमिसिबल इवन इफ द एम्प्लॉय चूज टू रिटायर वॉलंटरी इन हिज बीइंग डिक्लेयर मेडिकली डिग्रेड सच एन एम्प्लॉय मे आइदर बी कंटिन्यूड इन सुप्रीम पोस्ट और अलाउड टू रिटायर वॉलंटरी इफ ही शुड डिसाइड बट विदाउट एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेशन। तो ये 2000 जो हमारे 2000 का सर्कुलर है इसके अंदर रेलवे बोर्ड ने मेडिकल डिक्लेरेशन के मामले में नौकरी देने को मना कर दिया था, जिसको बाद में 2006 में अलाउ किया। तो 2006 में कहा गया कि नौकरी हम देंगे लेकिन तो हम पहले ग्रुप डी में देंगे, 5 साल की सर्विस कम होनी, 5 साल से सर्विस ज्यादा होनी चाहिए, अगर 55 साल से उसकी एज ज्यादा होगी तो फिर सीजीए के मामले में विचार नहीं किया जाएगा। ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है जिसमें बता दूं आपको, यही चीज हिंदी में भी लिखी हुई है यहाँ पर। कंपल्शन ग्राउंड अपॉइंटमेंट मिसिंग केस, कोई कर्मचारी हो गया है वो मिसिंग हो गया है तो क्या करना है, तो उसमें भी बताया गया है कि मिसिंग के मामले में भी नौकरी दिया जा सकता है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है बताया हुआ है, पढ़ देते हम। ए रिक्वेस्ट टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ कंपल्शन अपॉइंटमेंट कैन बी कंसिडर्ड आफ्टर लैप्स ऑफ 2 ईयर्स, यानी कोई कर्मचारी मिसिंग हो गया है तो मिसिंग होने के बाद वो कर्मचारी की जो फैमिली होगी वो एफआईआर लॉज कराएगी, तो एफआईआर लॉज कराने से
एक तो मैं बता दूं FIR लॉज कराना के बारे में बता दूं, मैं जस्ट थोड़ा सा, कोई भी कर्मचारी मिसिंग होता है तो मैं बता दूं कई लोग FIR लॉज नहीं कराते और इंतजार ही करते हैं ढूंढते, तो मैं आपको बता दूं कि एक रीजनेबल टाइम के बाद FIR लॉज करा दें, क्योंकि ये सिर्फ मैं जो सब्जेक्ट मेरा CGA है, CGA नहीं, अगर आपका सेटलमेंट ड्यूज है उसके अलावा रेलवे में हो या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी बेनिफिट आपको लेना है तो वो FIR से ही मिलेगा। तो कोई भी कर्मचारी अगर मिसिंग है तो एक रीजनेबल टाइम वेट करने के बाद FIR लॉज कर दें, तो जो भी बेनिफिट मिलेंगे रेलवे से, चाहे वो CGA अपॉइंटमेंट हो या सेटलमेंट ड्यूज हो, सारे के सारे जो है FIR लॉज होने के बाद ही मिलेंगे। जब तक आप FIR लॉज नहीं कराओगे तो आपको, एक तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरा एक और बता दूं आपको, भगवान ना करे किसी का कोई बंदा विवश हो जाता है, तो जो प्रोविजन है हमारे सरकार के उसके अंदर अगर 7 साल तक बंदा नहीं मिलता है तो डेथ मांगते हैं, तो डेथ मांगने के बाद जो डेथ की वजह से जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी मिलते हैं। तो जब तक FIR लॉज नहीं होगी तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। CGA के मामले में कहा गया है कि FIR लॉज कराने के 2 साल के बाद, यानी FIR जितना लेट होगा उतना लेट नौकरी मिलेगा। तो ये बता दिया कि जब कंपोशनेट अपॉइंटमेंट का मामला तभी विचार किया जाएगा, विचार तो किया जाएगा जब 2 साल के बाद किया जाएगा FIR लॉज करने के बाद, और मिसिंग पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल एंड द कंप्लेंट अथॉरिटी फील्स द केस इज जेन्युइन। जो कंप्लेंट अथॉरिटी है उनको लगना चाहिए कि मामला जेन्युइन है, कर्मचारी भाग तो नहीं गया, फ्रॉड तो नहीं किया होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन केस है तो FIR लॉज होने के बाद 2 साल के बाद विचार किया जाता है। अदर कंडीशन है इसमें लिखा, द बेनिफिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द केसेस ऑफ एम्प्लॉइज, कब नहीं मिलेगा, हु हैड लेस देन 2 ईयर्स टू रिटायर ऑन द डेट ऑन विच ही हैज बीन मिसिंग। अगर रिटायरमेंट मिसिंग के बाद अगर रिटायरमेंट 2 साल के अंदर, यानी 18 58 साल का वो ऑलरेडी हो चुका है तो उसको नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको समझने के लिए एग्जाम के पर्पस में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ भी 2 साल है यहाँ भी 2 साल है, ये याद रखिएगा। मिसिंग केस में जो अपॉइंटमेंट मिलेगा वो FIR से 2 साल के बाद मिलेगा, और तभी मिलेगा जब रिटायरमेंट 2 साल के अंदर नहीं हो, ये समझने के लिए बता रहा हूँ। दोनों जगह 2 साल ही, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटायरमेंट FIR में से 3 साल तो नहीं है या 3 साल बाकी तो नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 साल का ही है, 3 साल का फंडा नहीं। पहली बात तो CGA अपॉइंटमेंट 2 साल में मिलेगा FIR लॉज करने के बाद, और रिटायरमेंट में 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, दोनों जगह 2 साल है। हु इज सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड फ्रॉड, सस्पेक्टेड टू हैव जॉइन एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सस्पेक्टेड टू हैव गॉन अब्रॉड, अगर सक्षम अधिकारी जो है उनको लगता है, उनको डाउट है कि या उसने कोई फ्रॉड किया है या उसने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया या विदेश भाग गया, अगर उसको संदेह संदिग्ध है मामला, उसको डाउट है तो नहीं मिलेगा। कंपोशन अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ मिसिंग रेलवे एम्प्लॉई आल्सो कुड नॉट बी ए मैटर ऑफ राइट एंड विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी लेड डाउन फॉर सच अपॉइंटमेंट अंडर द एग्जिस्टिंग। तो जैसे बताया गया कंपोशन अपॉइंटमेंट वैसे भी कोई राइट है नहीं, तो मिसिंग केस में भी राइट नहीं है, ये तभी मिलेगा जब आप टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेंगे, साथ में वैकेंसी होनी चाहिए रेलवे में, और तभी मिलेगा आपको। अ डिसीजन ऑन एनी रिक्वेस्ट ऑफ कंपोशन अपॉइंटमेंट कवर्ड बाय दिस जनरल इंस्ट्रक्शन शुड बी टेकन ओनली एट द लेवल ऑफ जनरल मैनेजर, ये जनरल मैनेजर था पहले और अभी ये डिवीजन को दे दिया है, पुराने नियम है हमारे। एक और इसमें डाउट किसी ने रेज किया था कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे एम्प्लॉय हैं तो क्या कंपोशन अपॉइंटमेंट मिलेगा किसी एक के मरने पर, तो ये बोर्ड ने 97 में क्लियरिफाई किया था कि हाँ भाई अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ है तो नौकरी मिलेगा, लेकिन लिखा कि ओनली वन कंपोशन विल बी अवेलेबल आइदर ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ विच एवर इवेंट ओकर फर्स्ट, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो दोनों एम्प्लॉय है तो प्रोविजन है मिल सकता है, लेकिन एक को मिलेगा और उसमें से जो भी पहला जो एक्सपायर होगा उसके वाइस में ही मिलेगा, सेकंड के वाइस में, ऐसा नहीं आपने फर्स्ट के वाइस में आपने क्लेम ही नहीं किया फिर आप सेकंड में मर गए तो बच्चे आ गए, नहीं, फर्स्ट के वाइस में ही मिलेगा, सेकंड वाइस में नहीं मिलेगा, ये मैं बता दूं आपको। डिपेंडेंट का मैंने आपको पहले बता दिया, वो चीज़ यहाँ रिपीट हुई है कि कोई डिपेंडेंट अगर बैचलर है रेल एम्प्लॉय अनमेड है तो उसके डिपेंडेंट को भी सब्जेक्ट टू जो डिपेंडेंसी क्राइटेरिया प्रूफ होता है तो उसमें मिलेगा। ये एक सर्कुलर 95 में बता दूं, नियर रिलेटिव का प्रोविजन है, मास्टर सर्कुलर पढ़ेंगे तो उसके अंदर नियर रिलेटिव को भी कंपोशनल अपॉइंट देने का प्रोविजन है, जिससे रेलवे बोर्ड ने 95 के बाद मना कर दिया है कि अब ये डिलीट कर दिया प्रोविजन। तो अब 95 के बाद रेलवे में अगर क्वेश्चन आता है आपका कि नियर रिलेटिव को दिया जाएगा तो 95 से स्कीम बंद होगी, 95 के बाद नियर रिलेटिव को कंपोशन अपॉइंट देने का प्रोविजन रेलवे में समाप्त कर दिया है, ये मास्टर सर्कुलर है। तो इसके ऊपर ऊपर से अलग से मैं बनाऊंगा, काफी टाइम हो गया है, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ, आई होप
अंदर की బాగా అర్థమైంది నా ఈ కంపోషన్ అపాయింట్మెంట్ లో ఈ వీడియో నా ఎలా ఉంది ప్లీజ్ మీ అందరు చెప్పండి मैं उम्मीद करता हूँ कि कोशिश पहल की छोटी सी कि सीजीए के ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ नियम, तो ये आप लोगों ने देखा कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। मेरा बस कोशिश ये है कि अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लग रहा है, और मेरा वीडियो बनाने के पीछे जो स्पीड यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेलवे के नियम को जानें, उसका फ़ायदा उठाएं। काफ़ी रेलवे बोर्ड ने अच्छे अच्छे नियम बनाए हुए हैं, तो इसको जितना आप शेयर करेंगे उतना लोग लाभान्वित होंगे। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको नियम बता रहा हूँ अपना टाइम निकाल के, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस नियमों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैला लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा हो, ताकि जो स्पिरिट है वीडियो बनाने का वो पूरा किया जा सके। धन्यवाद सबको, एग्ज़ाम नज़दीक में है तो मैं बता दूँ पहले से मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग पास हो जाएंगे। धन्यवाद।